नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। आपका मच अवेटेड करंट अफेयर्स, आपकी काफ़ी डिमांड रहती है कि सर आप करंट अफेयर्स कराइए। सो दिसंबर महीने में हम इस पूरे साल का यानी 2020 में जो भी इवेंट्स, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी का करंट अफेयर्स लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स को दो तरीक़ों से डिवाइड किया है। पहला जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाला करंट अफेयर्स, लाइक सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि कैग के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से किसको कैग नियुक्त किया गया है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, या सीबीआई का चीफ किसको बनाया गया है, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव सवाल, या पद्म विभूषण किसको मिला, ऑब्जेक्टिव में वहाँ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो मतलब कोई ऐसे सवाल जिनमें आवासादा में आपको उत्तर देना होता है, बहुत जो आजकल नॉर्मल एग्जाम होते हैं लाइक RRB, NTPC, राजस्थान पुलिस, पटवार, RASPRI, इन सब में ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव में, यानी आपको उसका पूरा डीप एनालिसिस पता होना चाहिए उसको घटना का। लाइक मान लीजिए कि बोडोलैंड की मांग करने वाले बोडो समर्थक जो हैं उनके साथ में जनवरी 2020 में भारत सरकार का पीस एग्रीमेंट हुआ, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि बोडोलैंड वाला क्षेत्र कहाँ पे है, ये असम से अलग क्यों होना चाहते हैं, फिर इन्होंने उग्रवादी संगठन कैसे कैसे बनाए, भारत सरकार ने किस किस तरीके से उन्हें शांति समझौतों में शामिल किया, और क्या अब जो फाइनल उन्होंने वार्ता की है उसके बाद क्या उग्रवादी घटनाएँ नहीं घटित होंगी। इसी तरीके से मिजो नागा उन क्षेत्रों में इसी तरीके से मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में भी अलग अलग आदिवासियों के द्वारा उग्रवादी समूह बनाए जाते हैं, तो उनके साथ भी सरकार जो है वो पीस एग्रीमेंट कर रही है। रोहिंग्याओं वाला इश्यू है, मान लीजिए आपने लास्ट ईयर सुना होगा जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा NRC, उसके अलावा सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसके अलावा अभी आप सुन रहे होंगे कृषि कानून जो है, तो इस तरीके के बहुत सारे कानून, बहुत सारे पीस एग्रीमेंट, भारत और अन्य देशों के साथ में रिलेशंस, वो सब जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होते हैं और उन्हें डीप में पढ़ना होता है। तो वो डीप वाला जो है वो दूसरे पार्ट में रहेगा, जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो पहला वाला जो पार्ट जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होता है, उसमें क्या क्या आपको याद करना होता है, मंत्रिपरिषद एंड केंद्र के मंत्रिपरिषद ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भारत का कृषि मंत्री कौन है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्रियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के में, बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, इवन एक उनकी पार्टी के नाम भी पूछे जा सकते हैं, उस राज्य की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो वो यहाँ पे शामिल किए। पिछले 1.5 साल में, इवन एक पिछली जुलाई 2019 से लेके और अब तक की जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, वो सब नियुक्तियां जो हैं वो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं, ओके। उसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जितने भी हुए हैं 1.5 साल में, वो पार्ट वन में शामिल, ये जो है आपके लिए पार्ट वन दिया जा रहा है। पार्ट टू जो होगा वो धीरे धीरे अलग अलग फेजेज में आता रहेगा, क्योंकि पार्ट टू काफ़ी बड़ा होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता रहेगा। पार्ट वन आपके लिए एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद में महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो महत्वपूर्ण दिवस और उनकी 2020 में क्या थीम थी वो दिखे। प्रमुख योजनाएं, यहाँ पे इन योजनाओं को मैंने शामिल नहीं किया है, योजनाओं को मैं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में शामिल करूंगा, ओके। प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक, बहुत सारी रिपोर्ट दी जाती हैं विश्व के स्तर पर संगठनों द्वारा, भारत के स्तर पर संगठनों द्वारा, तो वो यहाँ पे शामिल की गई हैं। 2020 में, 2019 में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके निधन हुए उनके नाम भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित हैं। माना पूछ लिया जा सकता है कि बाला सुब्रमण्यम स्वामी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो संगीत से संबंधित हैं, तो इस तरीके के महत्वपूर्ण जो निधन हुए हैं उनके बारे में। उसके अलावा भारत सरकार नए मोबाइल एप्लीकेशन और नए वेबसाइट्स लॉन्च करती रहती है वो। उसके अलावा पुरस्कार, खेल घटनाक्रम, पुरस्कार में पद्म पुरस्कार, विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री, उसके अलावा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो कवर किए जाएंगे पार्ट वन के अंदर ही। उसके अलावा खेलों से रिलेटेड जो पुरस्कार होते हैं वो, साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार, और इवन एक भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार, पिछले 2-3 साल में भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो उनको भी आपको याद करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जब सवाल आते हैं तो उनमें एक आध सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा सैन्य अभ्यासों से भी सवाल पूछे जाते हैं,
उसके अलावा पुस्तकें और उनके लेखक कौन है, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और फाइनली मिसलेनियस, ठीक है, इसमें जीआई टैग रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो जीआई टैग भी शामिल किया। तो यहाँ पे आपके लिए मैं पार्ट वन आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ एक साथ में, ठीक है। इस पार्ट वन का ज्यादातर मैटर आपके लिए विक्रम सर कराएंगे, क्योंकि इसमें आपके लिए समझाने का कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो डाटा है वो आपके लिए फीड करना है, दो तीन बार रिवाइज कराना है उनके शॉर्टकट से। लाइक यहाँ पे केंद्रीय मंत्री परिषद है, इनके नाम आपको याद करने होंगे। ओके, ये पीडीएफ जो है वो हमारी करीब करीब 42 पन्नों की है, बहुत शानदार पीडीएफ है, आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। भारत के राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, ये आपको देखने होंगे। ओके, उसके अलावा प्रमुख नियुक्तियां, जो भी नियुक्तियां हुई हैं पुरुष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की और महिलाओं की, वो सब यहाँ पे शामिल की गई हैं। ओके, 2019-20 के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी हुए हैं वो यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा और जो भी आयोजन हुए हैं, लाइक G20, ब्रिक्स, आसियान सम्मेलन, G8, इनके सम्मेलन कहाँ पे हुए हैं और इनकी क्या थीम रही, वो सब यहाँ पे शामिल किया गया। डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि G20 का पूरा डिटेल समझाया गया, G20 का पूरा डिटेल जो आएगा वो मेरे द्वारा जो पार्ट सेकंड होगा उसमें समझाया जाएगा। ओके, महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, लाइक विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। ओके, 2019-20 के प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक, ये सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट कौन कौन सी जारी की गई है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट भी शामिल की गई है, भारत की बंद रिपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा जिनके भी निधन हुए हैं उनका किस किस क्षेत्र से संबंध था, ये सब यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसके अलावा प्रमुख मोबाइल ऐप, देन प्रमुख वेब पोर्टल, उसके अलावा प्रमुख सैन्य अभ्यास जो भी हुए हैं, ओके, क्योंकि सैन्य अभ्यास का सवाल आजकल आ रहे हैं, पुस्तकें और उनके लेखक। उसके अलावा यहाँ पे पुरस्कार, पुरस्कारों के बाद में हमने खेल, खेल से संबंधित जो दो तीन सवाल पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो वो भी शामिल हमने किए हैं। और लास्ट में जाते जाते हमने इसमें जो है वो जीआई टैक्स को भी शामिल किया है। आगामी खेल योजना कौन कौन से हैं, प्रमुख जीआई टैक्स शामिल किए गए हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां और कुछ भारत का ओवरव्यू। तो मैं शुरू भारत के ओवरव्यू से करता हूं, उसके बाद मैं भारत की मंत्रिपरिषद के बारे में बताता हूं, और उसके बाद में जितना भी डाटा है वो आपके लिए विक्रम सर के द्वारा कंप्लीट एक ही लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, आपको पता होगा बेसिकली रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारे भारत का या देश का नाम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, या भारत गणराज्य हिंदी में जिसे बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में भारत गणराज्य। ऐसा पूछा भी जा सकता है कि हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम है भारत गणराज्य, ठीक है, हिंदुस्तान या और कोई नाम नहीं है, भारत गणराज्य जो है वो भारत या हमारे देश का नाम है, ठीक है। उसके अलावा ये फ्लैग आपको पता ही होगा। एंड इसके बाद में हम बात करें तो राजधानी पता है आपको, लार्जेस्ट सिटी मुंबई है, ध्यान रखना है सिटी। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो दिल्ली जो है वो लार्जेस्ट सिटी के रूप में आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। और अगर कोई पूछा जाए कि डायरेक्टली प्योरली सिटी कौन सा बड़ा है, तो वो मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे देश में जो है दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा कुछ 22 भाषा के करीब करीब जो है वो दर्जा जिनके लिए प्रदान किया गया है, रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेज, जिनको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें है असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। ये पूछा जाते हैं आजकल कि इनमें से कौन सी राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्ज प्राप्त है, ठीक है। कश्मीरी, कोकबोर, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, बाकी बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में। और रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा है, 79.8%, उसके बाद में इस्लाम है, 14.2% है, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी 2.3% है, सिखिज्म जो है वो 1.7% है, और बुद्धिज्म 0.7% है। ओके, भारत किन किन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका सदस्य है, तो उनमें से यूएन का है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके बाद में ब्रिक्स का है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सार्क का है, उसके अलावा SCO शंघाई कोऑपरेशन, उसके अलावा G4 नेटिव्स का है, ग्रुप ऑफ 5 का है, G8+5 का है, G20 का है, कॉमनवेल्थ का भारत जो है वो यहाँ पे सदस्य है। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, चीफ जस्टिस ध्यान रखना है श्री शरद अरविंद बोबड़े जो है वो इस समय वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। अब चीफ जस्टिस जो होते हैं वो 1.5-2 साल में बदलते ही रहते हैं, तो आप जरूर डाटा को चेंज करते रहें अपने हिसाब से। और लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो हरिवंश नारायण सिंह हैं,
और उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल एरिया जो है वो अब इंडिया का 32,87,267 किलोमीटर है। ओके, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 का जो पॉपुलेशन था उसमें 121 करोड़ थी, और वर्तमान समय में जो पॉपुलेशन मानी जा सकती है वो करीब करीब 138 करोड़ के आसपास मानी जा सकती है। तो शुरुआत करंट अफेयर्स के पहले पॉइंट से, केंद्रीय मंत्री परिषद। अभी आपको नाम याद रखने होंगे, कैसे भी करके आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने का ज्यादा मैटर नहीं है। ये पार्ट 1 इसलिए मैंने एक अलग से रखा है, पार्ट 2 मैंने अपने लिए अलग से रखा है, जिसमें मैं और ज्यादा डिटेल में आपको समझा पाऊंगा। इसमें कुछ भी समझाने का है नहीं, इसमें नाम है, उनसे संबंधित क्षेत्र है, वो आपको याद करने ही होंगे। तो ये PDF जो है वो अपने एप्लीकेशन में आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी, तो वहां से आप जो है वो डाउनलोड कर लेना और एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो india.gov.in वेबसाइट पर भी आप इस पूरे ब्यौरे को देख सकते हो। और बाकी हमने जो यहाँ पर जितना भी सिनॉप्सिस लिया है ये इसी आधार पर लिया है कि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई भी फैक्चुअल के लिए, कंसेप्ट के लिए आपको कोई भी शिकायत यहाँ पर या कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, और फ्रेंड्स कार्मिक और जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी जो हैं ये सभी प्रधानमंत्री पद के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका पूरा नाम है, ये जो इसके अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। तो सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया हो वो सभी प्रधानमंत्री के तहत आते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद की बात आई है तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, मैं आपको ढंग से बता देता हूँ। एक यहाँ पर किचन कैबिनेट भी होती है फ्रेंड्स। किचन कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके कुछ विश्वस्त 4 से 5 लोग होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। एक तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि एक तो गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, और एक राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्रालय जिनके पास में है, नितिन गडकरी साहब, श्रीमती निर्मला सीतारमण और रविशंकर प्रसाद। तो ये क्या है, ये प्रमुख लोग हैं जो किचन कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, जिसमें 4 से 5 और 6 लोग आ जाते हैं। तो ये क्या है, हमेशा प्रधानमंत्री के पास रह करके अपनी सलाहकारी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, सिंह जो है ये रक्षा मंत्रालय यानी के पास में है। इसके अलावा माननीय अमित शाह, इनको आप जानते हैं, गृह मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ SMS यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के मंत्रालय के ये अध्यक्ष हैं, निर्मला सीतारमण, आप सभी लोग जानते हैं, जो वित्त मंत्रालय है, और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। श्री DV सदानंद गौड़ा, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि रसायन एवं उर्वरक के मंत्रालय हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे मोटे वो हैं फैक्ट, ये आपको इसी तरह से जो है यहाँ पर याद करने हैं। श्री थावरचंद गहलोत, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री रविशंकर प्रसाद, ये कानून मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ये भी इन्हीं के पास में है। और सुब्रमण्यम जयशंकर, देखिए साइलेंट वो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, विदेश मंत्रालय। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये अभी शिक्षा मंत्रालय है। वर्तमान में आपको पता होगा कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में है। अर्जुन मुंडा, ये जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंधित हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन, आप जानते होंगे, ये
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, विज्ञान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ जियो साइंस यानी कि साइंस जो अर्थ के संदर्भ में है, भू विज्ञान मंत्रालय, श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये सब इन्हीं के उसमें है। तो छोटी मोटी फैक्चुअल बातें हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास में है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब इनके पास में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इन्हीं के पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। श्री प्रहलाद जोशी ये संसदीय कार्य मंत्रालय के हेड हैं। गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इनके पास में। और जोधपुर यानी कि राजस्थान से जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये जल शक्ति मामलों के मंत्रालय इन्हीं के पास में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो इनमें आपको इसी तरह से इन्हें पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट देखिए क्या क्या है। ये तो सबको पता है, ये सबको पता होते हैं आमतौर पर, लेकिन इसमें आप अगर इन्हें भी ध्यान रखें, जैसे कि पीयूष गोयल है रेल मामलों के मंत्रालय, और इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत है, और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हैं, तो ये छोटी मोटी बातें कभी कभी मैचता कॉलम में पूछ सकता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी हैं, जैसे कि श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्री संतोष गंगवार, श्री राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन जो मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, देखिए ये जो NSSO है या फिर हमारा CSO है, जो राष्ट्रीय आय और जितने भी सर्वे होता है उसकी जितने भी आंकड़ों को जुटाते हैं, ये सब इसी मंत्रालय के तहत आते हैं। और MPLAD जो हमारी योजना होती है, यानी कि सांसदों को विकास कार्य के लिए जो 5-5 करोड़ रुपये दिया जाता है, वो भी इसी मंत्रालय के अनुसार जो है यहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है पैसा। श्री किरण रिजिजू ये युवा कार्य एवं खेल मंत्री हैं इस वक्त वर्तमान में। इसके अलावा जहाजरानी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये मनसुख एल मंडाविया के पास में है। चलते हैं आगे, राज्य मंत्री और हैं कुछ, मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। किरण रिजिजू जिन्हें हम देख चुके हैं, इसके अलावा श्री अर्जुन राम मेघवाल यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास में है, ये राज्य मंत्री हैं। एक हमारे जनरल VK सिंह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लगभग 58वें अगर आप ढंग से इसे देखेंगे या खुद से सर्च करेंगे तो 58वें या 59वें जो है ये हमारी भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये काफ़ी हास्य विनोद करते हैं, आप YouTube पर काफ़ी इनके वीडियो मिल जाएंगे। वर्ष 2014 से पहले ये कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद में इन्होंने BJP में आए और उनको मंत्री पद जब से ही दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक बाबुल सुप्रियो भी हैं, तो बाबुल सुप्रियो एक गायक हैं बंगाल के, और ये बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुन के आते हैं। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ये वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उनके राज्य प्रभार जो हैं वो इनके पास में हैं। इसके अलावा मैं आगे आपको लेके चलूँ, इसमें तो ये एक जनरल बात होगी फ्रेंड्स। इसके बाद में शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए, ये है आपका भारत का नक्शा, देशांतर और अक्षांशों की जो स्थिति है वो देख लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, एक बार अपन पेन चेंज कर लें, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर आकृति चतुष्कोणीय है। तो ये हमारे भारत का नक्शा है और इसमें कुछ और चीज़ें भी दी हुई है कि जैसे कि पश्चिम से और पूर्व की जो यहाँ पर वो है लंबाई वो है आपकी 2933 किलोमीटर, और इसके अलावा जो उत्तर से दक्षिण की जो वो है ये जो दूरी है इसकी परास यहाँ पर है 214 किलोमीटर। तो इन छोटी मोटी जो भूगोल की बातें हैं उनको अपन को जो है यहाँ पर फैक्ट के साथ में इसी तरह से वो करना है कंटेस्ट, ताकि एग्ज़ाम में हम इसे देख पाएँ। तो क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, आपको बता दूं मैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या और उसमें अपना समान जो है रखता है जनसंख्या और क्षेत्रफल में, तो पॉपुलेशन और एरिया में ब्राज़ील सेम वो रखता है अपना। और इंडिया की बात करें तो जनसंख्या के मामले में ये सेकंड पर है और क्षेत्रफल के मामले में 7th रैंक पर है। आप राष्ट्रगान में सुनते होंगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल। उत्कल क्या है? उत्कल देखिए उड़ीसा से जो लगता हुआ समुद्री तट है उसे उत्कल बोला जाता है। गंगा जो आपके पूरे इस बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बहती हुई और फिर पद्मा मेघमा बनकर बंगाल की खाड़ी में या बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटे हुए हैं। और द्राविड़ का मतलब क्या है? देखिए द्राविड़ एक दक्षिण भारत की संस्कृति को जो है द्राविड़ कहा जाता है और उन लोगों को द्राविडियन कहा गया, तो ये कल्चरल महत्व इसका ज़्यादा है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है ये हमारी वो है प्रेम्बल। तो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने संसद में इसे जिस तरीके से पढ़ा था उसी तरह से जो है इसे संविधान की किताब में अंकित किया गया। तो एक बार इसे देख लेते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो मतलब है, जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि भारत पर कभी किसी का कोई दबाव नहीं होगा, ये एक स्वाभिमान और एक स्वतंत्र और स्वयंभू राष्ट्र भूमि है। समाजवादी यानी संसाधनों में और जितने भी उत्पादन हैं उनमें देश के आवाम को यानी प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए जाएंगे, समानता का अधिकार है, यही समाजवाद है। बाकी इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो आप सर के लेक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड्स। पंथ निरपेक्षता, देखिए पंथ निरपेक्षता से मतलब यह है कि भारत में अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो हालांकि संविधान में तो पंथ निरपेक्षता है लेकिन अगर अपन मूल स्वरूप देखें हमारे देश में तो हम धर्म निरपेक्ष ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। और यही बात है कि हम लोग अपने अपने धर्म को मानने की पूरी हमें आज़ादी दी गई है दूसरे के धर्म में बिना हस्तक्षेप किए हुए, लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म से जो है कोई लेना देना नहीं है। तो संविधान में पंथ निरपेक्षता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से, लोगों के लिए ही चुनी गई सरकार, टू द पीपल बाय द पीपल, आपने सुना होगा, तो वही लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका मतलब यहाँ कोई वंशवाद नहीं है कि एक व्यक्ति राजा बन गया एक बार तो उसका बेटा फिर उसके बेटे का बेटा राजा या प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
जिसकी जो तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के हिसाब से इसे जाना जाता है, तो को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में इस तरह की जो चीज़ें पूछ ली जाती है, तो फ्रेंड्स हमें एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि संविधान से जुड़ी हुई बात है, तो इतना तो जो है ये दायित्व बनता है। गवर्नर और कुछ मुख्यमंत्री हैं प्रमुख राज्यों के, तो उनको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको जो है सबसे पहले यहाँ पे लिया है पूर्वोत्तर राज्य। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। इसी तरह त्रिपुरा में जाएंगे तो अगरतला राजधानी है, विप्लव देव मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस राज्यपाल हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आर एन रवि जो हैं ये राज्यपाल हैं। मणिपुर में इम्फाल राजधानी है और एन बीरेन सिंह वो मुख्यमंत्री हैं और नजमा हेफतुल्ला ये आपकी राज्यपाल हैं। मिजोरम में आइजोल है, जोराम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। असम की जो राजधानी वो दिसपुर है और सर्वानंद सोनेवाल यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है असम, क्योंकि जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो यहाँ हुआ था पिछले साल। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ पर हुआ था और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी राज्यों ने अपनी शिरकत की थी, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी सबसे मेघालय शिलोंग, कॉनरेड संगमा, सत्यपाल मलिक, सिक्किम का गंगटोक, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनमें इम्पोर्टेंट असम है। बाकी चीज़ें तो देखिए थोड़ा आइडिया हो तो एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने से या बहुत मेहनत करने से के बजाय ये कि अपन स्मार्ट वर्क पे ध्यान दें। हिमाचल की राजधानी शिमला है, उत्तराखंड देहरादून है। देहरादून में जो राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण संस्थान केंद्र है। पंजाब में चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। यूपी की लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, ये सीएम हैं। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है, क्योंकि मीडिया में जो उत्तरी भारत की राजनीति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, तो योगी जी तो वैसे ही बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार, पटना राजधानी है। झारखंड की रांची, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा क्योस भी हो रहा है। ओडिशा भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश भोपाल, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और आनंदीबेन पटेल इनको अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम और आचार्य देवव्रत वो जो है यहाँ पर राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। महाराष्ट्र मुंबई, उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटक की बेंगलुरु, बी एस येदुरप्पा की सरकार है। गोवा की पणजी, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी, देखिए वहाँ पर तीन राजधानी है, एक तो अमरावती है, एक आपकी विशाखापट्टनम है, एक आपका कर्नूल है। तो फ्रेंड्स इनकी राजधानी का जो अलग अलग संदर्भ है, एक तो देखिए विधायिका, एक राजधानी विधायिका के लिए है, यानी कि विधायिका का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो अमरावती में होगा। एक का कार्यपालिका का क्षेत्र, कार्यपालिकी जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है और आपकी न्यायिक राजधानी जो है वो कर्नूल में है। तेलंगाना हैदराबाद में इनके जो सीएम है जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के, तो विश्वभूषण हरिचंदन और तमिलिसे सुंदरा राजन, तो ये जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर इन जैसे जो सीएम के नाम है इनको आपको जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे।
अब भारत के पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देश देखिए, यहाँ पर जो है अफगानिस्तान है जो नंबर एक पर आप देख रहे होंगे। पहले आपको थोड़ा सा नाम मैं काउंट करवा देता हूँ। अफगानिस्तान, एक आपका भूटान हो गया, एक पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। अब आप देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले जो शुरुआत हो रही है अफगानिस्तान से हो रही है, फिर पाकिस्तान है, फिर ये सब पूरा हिंद महासागर, ये अरब सागर यहाँ पर, और यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक जो है पूरा जो है हिंद महासागर का क्षेत्र है। फिर यहाँ से जो है पूरा आपका बांग्लादेश शुरू हो जाता है, म्यांमार भी जो है यहाँ से छूता है। इसके अलावा अगर हम और इसको ऊपर जाके देखें तो यहाँ पर ये जो अपन सीमा देख रहे हैं, और यहाँ पर ये सब चाइना और ये भूटान जैसे देश इसमें समाहित हैं। चाइना आपको इधर से भी जो है टच करता है, और बहुत सारा जो क्षेत्र है वो अभी भी चाइना के पास में, ये भी जो है पीओके वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान ने बड़ी बेशर्माई के साथ में इसको अब तक दबा के रखा हुआ है। तो जल्दी समय आएगा, इसको भी हिसाब किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको कुछ और इसकी ज़रूरी अहम बातें बता दूं कि अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है, और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, बॉर्डर की जो लेंथ है। पाकिस्तान के साथ में पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में ये जो लंबाई है कुल मिला के 3,323 किलोमीटर की है ना। नेपाल को भी मैं काउंट कराना आपको शायद भूल गया। तो फ्रेंड्स, ये नेपाल का हिस्सा है, इसकी लंबाई सीमा जो है 1751 है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये गिनती के 5 राज्यों से जो है यहाँ पर टच करता है। भूटान छोटा सा है, इसकी सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम को ये टच करता है। इसी तरह से बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश की टच होती है, स्थलीय सीमा इसकी हमसे जुड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी तरह चीन हमारे 5 बड़े बड़े जो मेजर स्टेट हैं उनको टच करता है। तो एक बार देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब कुछ प्रमुख नियुक्त क्या, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, देखिए इसमें याद क्या रखना है, इसमें थोड़ा पजल होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि आप थोड़ा थोड़ा जो मूलभूत बात है, सबसे कम जो सीमा लगती है कौन से देश से लगती है, वो अफगानिस्तान से लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है साहब बांग्लादेश से, और चाइना का आपको याद रखना है, और पाकिस्तान का आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट हमसे टच करते हैं। तो चाइना तो देखिए यहीं से है, यहाँ से और सीमावर्ती इलाकों से लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक सीमित है। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। तो भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको टिक कर देता हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं साहब आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, मुख्य सूचना आयुक्त ये हैं आपकी विमल जुल्का, इम्पोर्टेंट है। लोक लेखा समिति के जो पुनः अध्यक्ष बने हैं वो अधीर रंजन चौधरी बने हैं, सांसद हैं ये भी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख संजय कोठारी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, नैसकॉम के अध्यक्ष प्रवीण राम, वर्ल्ड वाइड फंड विश्वनाथ आनंद, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुजू चिंतला, देखिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
तो जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी डेट को भी काफ़ी बार पूछा जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ऐसे बार्क एनएसई नेशनल जो इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स का, सेबी जेपी गर्ग राज्यसभा के उपाध्यक्ष, इसके अलावा रेलवे के प्रथम सीईओ विनोद कुमार यादव, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख एस के सैनी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। देखिए इम्पोर्टेंट उप प्रमुख के बजाय आप प्रमुख को अपन याद रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन देखिए जब नियुक्तियाँ होती हैं इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर तो वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बताना जो है कर्तव्य है अपना भी, और आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे जितने भी नाम लिखे हुए हैं, 50 नाम लिखे हुए हैं, तो 50 के 50 ही आप मतलब रात दिन पढ़ें, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन प्रश्न और ऑप्शन के रूप में आएगा, तो आपको एक विकल्प को टिक करना है फ्रेंड्स, तो आपकी जो समझ है वो इस हद तक तो हो कम से कम कि आप मतलब उसमें परफॉर्म कर पाएं। शरद अरविंद बोबड़े ये जो है हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, इम्पोर्टेंट है। सुधीर भार्गव मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पिनाकी चंद्र घोष। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति, ये मैंने आपको करंट में भी करवाया है फ्रेंड्स, ये सारे करंट में मैंने आपको करवाए हैं। ओम बिड़ला साहब ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कोटा की जो सांसद कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से चुन करके आते हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंजन ये नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं जो अमित शाह के बेटे हैं। गिरीश बापट प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको उनको होना चाहिए। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी ब्रांड के एम्बेसडर हैं, काफ़ी अच्छा अभिनय करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। माइकल देवव्रत पात्रा तो ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। KK वेणुगोपाल ये भारत के महान्यायवादी हैं। विक्रम किर्लोस्कर ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII इसका नाम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। इसी तरह से LIC के अध्यक्ष ये वर्तमान में जो है अभी MR कुमार हैं, और इनकी जो नियुक्तियां हैं वो बदलती रहती हैं, तो देखिए अभी तो इनके बारे में जो मेरे पास उपलब्ध डाटा यही है, अगर कभी भविष्य में आप जब भी परीक्षा दें तो थोड़ा सा इसको आप अपडेट करते चलिएगा फ्रेंड्स। राकेश अस्थाना ये BSF के महानिदेशक हैं, और वर्तमान में इनको जो है LIC में नियुक्त करने की चर्चा चल रही है। आनंद प्रकाश माहेश्वरी CRPF के महानिदेशक हैं। अनूप कुमार सिंह NSG के महानिदेशक हैं। इसी तरह से CBI के ऋषि कुमार शुक्ला हैं, IB के अरविंद कुमार हैं, और सामंत कुमार गोयल रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो सुनील अरोड़ा करमवीर सिंह ये नौसेना प्रमुख हैं। शक्तिकांत दास ये RBI गवर्नर हैं 25वें। RKS भदौरिया ये वायुसेना प्रमुख हैं, और मनोज मुकुंद नरवणे ये थल सेना प्रमुख हैं। रजनीश कुमार भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं, और दत्ता फड़सल गीकर ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो यहाँ पर जो हैं ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा जो यहाँ पर अजीत डोभाल के नाम को भी आप शामिल कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो देखिए वही है, इनसे ज़्यादा वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के बिल्कुल नज़दीकी माने जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नुपुर कुलश्रेष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, महिलाओं की जो नियुक्तियां हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पुरुषों के। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, और हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स भावना कंठ। मोहना सिंह जितरवाल, तो ये हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह जितरवाल। गौरी सावंत ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं, और चंद्रिमा साहा ये आपकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ज्योति शर्मा सेना की महिला जज बनी है पहली। नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी जोशी, और इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील, जज बनने वाली पहली महिला वकील है, मतलब ऐसी जज हैं जो पहले महिला वहां पर वकील के पद पर कार्य कर चुकी हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा आईएमएफ की प्रबंध निदेशक, ये इंपॉर्टेंट है। संगीता रेड्डी फिक्की की अध्यक्ष है। इसके अलावा सुंदर पिचई अल्फाबेट जो गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी है, ध्यान रखिए मैंने आपको करंट अफेयर में सारी चीजें करवाई हैं। इसके अलावा सुरजीत एस भल्ला आईएमएफ में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक हैं, और मैं आपको बताऊं तो समीर कुमार खरे ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। राजेश खुल्लर साहब ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, यानी कि विश्व बैंक में भारत का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो राजेश खुल्लर साहब हैं। इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के प्रमुख माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाने की जो पहली संभावना है इनकी ज़्यादा बनती है, बाकी चीज़ें आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। पद्मा लक्ष्मी ये यूएनडीपी की सद्भावना दूत हैं। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइव स्टार लगा लीजिए सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह सचिव हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कीजिए। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले आने वाली 2 साल की जो परीक्षा होंगी उनमें ये प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इनको आप आज के लिए या 4-5 महीने बाद होने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट मत लगाइए, इनको आप ऐसी जगह रजिस्टर में फिर से लिख लीजिए ताकि आपको किसी तरह की वो ना रहे। कमला हैरिस यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला भी हैं और साथ में वो भारतीय मूल की भी हैं। तुलसी गैबार्ड यूएसए के जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला है। चलते हैं आगे, वर्ष 2019-20 में हुए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जो है यहां पर कुछ एक सिनॉप्सिस दिया हुआ है तो देख लेते हैं उसे। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, देखिए सब वर्चुअल इसलिए हुए क्योंकि कोविड का जो तांडव था वो बड़ा खतरनाक रहा था। ये 2020 बहुत मनुष्य साल रहा है दुनिया में सभी के लिए, और लॉकडाउन होना, कभी भारत बंद होना, कभी शहर बंद होना, ये आम बात सुनी थी, लेकिन महीने भर के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है तो वो इस घातक और मनुष्य बीमारी की वजह से लगा है। तो इस बारे में यहाँ पर सारी चीज़ों में जो है वर्चुअल, और वर्चुअल शब्द आपको आम तौर पर देखने को मिलेगा। तो G20 जो शिखर सम्मेलन है वो सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया, और इसमें पहले अगर हम 16-17वें सम्मेलन की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ था 2022 में, अब होगा मतलब आगे आने वाले साल में, और 16वां सम्मेलन इटली में होगा, तो 15वां आपका सऊदी अरब द्वारा आयोजित हुआ। आसियान की बात करूँ फ्रेंड्स, ये भी वर्चुअल, ये वियतनाम द्वारा आयोजित किया गया, और 38वां और 39वां सम्मेलन ब्रुनेई में होगा। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन
ये श्रीलंका में आयोजित किया गया और भारत जो है इसका सदस्य है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो इसमें आते हैं, एक पूर्वी तिमोर देश को छोड़ करके इसमें सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो सब आते हैं। इसी तरह G20 भी भारत की वो भूमिका है इसमें। विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन ये दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुआ, अगला भी स्विट्ज़रलैंड में होगा। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन ये ब्रिटेन में हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। शुरू के जो चार हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो मतलब एग्ज़ाम में पूछी जाए। लेकिन जैसे विंग्स इंडिया है ये हैदराबाद में हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर, तो एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ, ये बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ। इसी तरह G7 ये बियारिट्ज फ्रांस में हुआ। ब्रिक्स, ब्रिक्स भी भारत का जो है, भारत इसमें शामिल है, तो ये ब्राज़ील ब्रासिलिया में हुआ और इसकी थीम थी एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। शंघाई SCO भारत और पाकिस्तान वर्तमान में कुछ साल पहले ही इसके सदस्य बने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन शिखर सम्मेलन होता है ये बाकू अजरबैजान में हुआ। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो जलवायु संकट पर जितने भी सम्मेलन होते हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये मैड्रिड स्पेन में हुई। और 26वां आपका स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन, तो ये सब आपका जो कॉमनवेल्थ कन्वेंशन है यानी कॉमनवेल्थ का जो सम्मेलन होता है वो लंदन UK में हुआ और अगले दो उसके शेड्यूल भी जारी किए जा चुके हैं। एपेक सम्मेलन, एपेक में देखिए जो सबसे ज़्यादा ऐसे जो तेल उत्पादक क्षेत्र वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं, तो ये आपका चिली में हुआ जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक तटीय देश है। कुछ महत्वपूर्ण आयोजन या सम्मेलन हुए हैं तो जिनकी थीम अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो देखिए आपको सभी इस इतना आइडिया तो होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में देख के पूछा जाए तो आप उसे बता सकें। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कराने की कोशिश करूँगा। विंग्स इंडिया ये आपका हैदराबाद में हुआ था, हम ऊपर भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो फ्लाइंग फॉर ऑल, देखिए कोई भी थीम होती है ना तो उसमें आप एक दिमाग लगाओ, वो थीम एक तो आइडियल होगी, बिल्कुल आदर्श, बहुत ही अच्छी और सच्ची बात पर टिकी होगी। दूसरा उसमें जो है समावेशी, एक मतलब फॉर ऑल समावेशी जो विकास की बात की जाती है या एक कवरेज की बात की जाती है तो फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें लागू होगा। तो कोई भी थीम होती है वो संकीर्णता या घृणा से नहीं हो सकती, ना ही वो नैरो माइंडेड यानी कि थोड़ी सी संकुचित रूप से आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो आप एक थोड़ी सी ये दिमाग लगाने वाली बात है कि थीम आइडियल होती हैं और फॉर ऑल होती हैं, तो उसी तरह से हमें जो है रटना है या समझना है या याद रखना है। इसी तरह से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ और इसका क्या है, देखिए सतत विकास यानी कि जो हमारे SDG हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वर्ष 2015 से सेंडाई फ्रेमवर्क जापान में आयोजित हुआ था, तो वहाँ पर इनको निर्धारित किया गया था। तो इसमें 2015 से 2030 के बीच में कुछ 17 वो हैं हमारे एम, उनको हमें प्राप्त करना है। तो क्या है, टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ें, विश्व पुस्तक मेला ये नई दिल्ली प्रगति मैदान में होता है हर साल। गांधी द राइटर्स राइट, द राइटर्स राइटर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये अब शारजाह में हुआ, ओपन बुक्स ओपन माइंड, भारत में हो रहा है तो उसकी थीम हिंदी में होगी।
एयरफोर्स की ज़रूर इंग्लिश में हो सकती है, लेकिन वैसे नॉर्मली आपको जो छोटी मोटी बातों को इसी रूप में अपने कोड बनाकर याद रखना है। डेफ एक्सपो, डेफ का यानी डिफेंस, तो ये लखनऊ में हुआ, और भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ब्रिक्स की एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये मथुरा में हुआ, और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इसको जिसमें मूल उसमें रखा गया। देखिए अगला जो अपना टॉपिक है, महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय या थीम, तो इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो उसी आधार पर पूछा जाएगा कि जिसका जवाब दिया जाना कोई दुर्गम ना हो। जैसे कि अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक किए हुए हैं, लेकिन हम सभी को देखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस, तो देखिए ये 27 सितंबर अभी 2020 में जो उसकी मनाया गया है डे, एनुअल डे, वार्षिक दिवस, तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये 21 सितंबर को मनाया गया, और शेपिंग पीस टुगेदर। साथ ही में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये 28 जुलाई को मनाया गया, इसमें हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 एंड 5। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बाकी जितने भी हैं ये इनसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखना नहीं रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अपन को याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अब जाहिर सी बात है योगा एट होम का मतलब है कि इस साल जो कोरोना की वजह से पार्क में और ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जाना दुर्गम हो गया है, इसलिए योगा एट होम, तो अपन को एक मतलब उसको याद में रखने की कोई ना कोई एक चीज़ कीवर्ड पता होना चाहिए। विश्व शरणार्थी दिवस, पूरे दुनिया में जो इस वक्त जैसे अब रोहिंग्या समस्या है, बांग्लादेश से जो मुसलमान हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, और भी अन्य जैसे कि अगर आप कहीं पर चले जाएँ जैसे कि इराक और आसपास के जो सीरिया जैसे अशांत क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है कि आम जन पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में प्रवास कर रहे हैं, तो एवरी एक्शन काउंट्स 20 जून, तो ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। विश्व रक्तदान दिवस भी आप याद रखें 14 जून। विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, 5 जून 2020, टाइम फॉर नेचर। इसी तरह से थोड़ा आगे चले, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, 22 मई 2020, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और मैं आपको एक बात और बताऊं, पूरे उसके जो पुराना एक्सपीरियंस उसके साथ में, थीम पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ ये जो डे है ना ये पूछे जाने की संभावना पूरी है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, आगे चलें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2020 को, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिन जिन पे मैंने एरो लगाए हैं उनको आपको थोड़ा ज़्यादा सहूलियत के साथ में पढ़ना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइव्स। विश्व जल दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, महिला दिवस 8 मार्च को, कैंसर डे 14 फरवरी, 4 फरवरी को मनाया जाता है। आई एम एंड आई विल, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये हमारा जो रामसर समझौता हुआ था ईरान में, तो 2 फरवरी 2020 को, आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता इसकी थीम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020 को, ज़्यादातर लोगों को ये डेट पता है। इसके अलावा विश्व एड्स दिवस, ये 1 दिसंबर 2019 को लास्ट टाइम मनाया गया था, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। इसी तरह से आगे चलेंगे तो
जो सांख्यिकी दिवस है, स्टेटिस्टिक्स डे, 20 अक्टूबर 2019 को, बेटर डाटा बेटर लाइव्स। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2019, गर्ल फोर्स अनस्प्रेड एंड अनस्टॉपेबल। कुछ प्रमुख रिपोर्ट हैं जो सूचकांक के रूप में इस तरह से अपन को याद रखने हैं ताकि एग्जाम में अपन ऑप्शन देख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर पाए। अब इसमें भी वही है कि कराने को तो बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बिजली उत्पादन रिपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत तीसरे स्थान पर, जो बहुत बड़ी बात है। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ हमें एरो लगाना पड़ेगा। जर्मन वाच नामक संस्था है वो इसे जारी करती है। जापान प्रथम स्थान पर है और भारत पांचवें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, अफगानिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक मुल्क बताया गया है, भारत का स्थान 7वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन में इसका प्रथम स्थान है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम जो है जलवायु परिवर्तन दर्ज किया गया है, भारत का स्थान यहाँ पे 9वां है। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो ये विपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और वर्तमान में अगर जो प्रथम स्थान है वो अमेरिका का है, भारत इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त लिए हुए है। लास्ट टाइम ये 43 पर था, अब की बार जो है ये 40वें स्थान पर आ गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, सिंगापुर फर्स्ट पर है और भारत का रैंक इसमें 43 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो, यही वाली संस्था और इनसीड के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और नवाचारों को कहाँ कहाँ पर ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है उसके लिए ये जो है सूचकांक जारी किया जाता है। तो भारत का रैंक इसमें 48वां है, जो लगातार ग्रोथ की तरफ है। तो स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पर है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा ये जारी किया जाता है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और 51 पर इंडिया है। इसके अलावा मैं आपको देखूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, न्यूजीलैंड प्रथम पर है और भारत की रैंक इसमें 63 है। ये अभी इस साल के जो नए वो हैं आंकड़े, वो आने बाकी हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं मैं उनमें आपको लेके चलूँ, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, डेनमार्क फर्स्ट पर है और इंडिया इसमें 80 पर है। जाहिर सी बात है हमारी स्थिति खराब है, अभी इसमें बहुत सुधार करने की गुंजाइश है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ द्वारा जारी किया जाता है, जापान इसमें फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पर जर्मनी है, इंडिया इसमें 84 पर है। और भी इसमें सुधार अभी जो है, जब नया सूचकांक आएगा तो उसमें इसकी रैंक काफ़ी सुधार देखने को मिलेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये हंगर वेल्थ एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। बेलारूस इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 102 है, जो पूरे एशिया में और बिम्सटेक और ये जो हमारे आसपास के ब्रिक्स देश हैं इनमें भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा शोचनीय है। हालांकि इसके क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं, तो जैसे ही रैंक आती है उसके हिसाब से आंकड़े काफ़ी ज़्यादा भयानक है। और इंडिया में भुखमरी सच में ज़्यादा है, मेल न्यूट्रिशन की समस्या सबसे ज़्यादा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, तो सिंगापुर इसमें फर्स्ट स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला जाता है, आइसलैंड फर्स्ट पर है और इंडिया इसमें 112 स्थान पर है, क्योंकि लैंगिक समानता के ऊपर ही आधारित है। हमारे देश में जो समाज है वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज को, विचारधारा को अहमियत दी जाती है, हालांकि दिन पर दिन सुधार हो रहा है। किड्स राइट इंडेक्स
मानव पूंजी सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे निकाला जाता है। स्वीडन फर्स्ट पर है, इंडिया 117वें। मानव विकास सूचकांक इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये यूएनडीपी से जारी किया जाता है, नॉर्वे फर्स्ट पर है और इंडिया की रैंक 129 है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या देखा जाता है, एक तो एजुकेशन देखी जाती है, शिक्षा, एक आपकी हेल्थ देखी जाती है, एक आपका जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो देखी जाती है, और एक आपका बच्चों का जो पोषण स्तर है उसको भी देखा जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें हम और अलग से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूपफॉल्स हैं, समस्याएं भी हैं, कारण भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे, और इसके जो समाधान हैं और भारत की इसमें स्थिति क्या है उसको भी जो है इसमें बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए तो हम हमारे जो विषय है उसको कंटिन्यू करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंडिया की रैंक इसमें काफ़ी पीछे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है और इंडिया 142। जाहिर सी बात है, अब आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे कि मीडिया को किस तरह से जो है, वहाँ की उद्धव सरकार है, मतलब बहुत सारी बातें हुई हैं उसमें, सही गलत का मूल्यांकन हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो बातें जो सामने आती हैं, कहीं कहीं निरंकुशता देखने को मिलती है, तो कहीं कहीं मीडिया का दमन भी किया जाता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, और डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंक पर है, इंडिया का रैंक इसमें बहुत पीछे है, 180 देशों में 168वें रैंक पर है, तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। थोड़ा सा आगे चलें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उनको देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में इसका 5वां संस्करण जारी किया गया है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया गया है। जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण पर रैंकिंग जारी की गई है, और इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। इंदौर के अगर कभी आप ओंकारेश्वर जाएं तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाके आपको ये सफाई और स्वच्छता का जो है पता चल जाएगा रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि सच में उन्होंने बहुत मेंटेन किया है, और घर घर से जो कचरा उठाने की जो उनकी फ्रिक्वेंसी है, गाड़ियों का जो डिसिप्लिन है म्यूनसिपलिटी का, वो बहुत गजब का है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं किसी भी शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित करने के लिए, तो उन सब में इंदौर जो है खरा उतरता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर प्रथम स्थान इंदौर का है, द्वितीय पर सूरत है, और तृतीय पर नवी मुंबई है। इस सूची में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे है 47 रैंक पर, और 47 शहरों का ही इसमें सर्वे किया गया, जो बड़े शहर हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले, तो उनमें सबसे एंड में आपका पटना है। 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में एक आपका अंबिकापुर है, मैसूर है, और नई दिल्ली है। बिहार का गया शहर जो है वो उसमें 382वीं रैंक पर है, यानी कि इसमें 382 शहरों को शामिल किया गया है, तो सबसे एंड में बिहार है। बिहार में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है इन चीज़ों की। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में महाराष्ट्र के 3 शहर हैं, कराड़, ससवाड़ और लोनावला। वाराणसी को सबको सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता हूँ। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी, जालंधर छावनी बोर्ड को सबसे साफ सुथरा यानी कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया, छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया। देखिए शहर की बात होगी तो इंदौर है ओवरऑल, और ओवरऑल स्टेट की बात होगी तो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश को लेकर कंफ्यूज ना हो, और इन सब में ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि जो गंगा का शहर है सबसे सर्वश्रेष्ठ वो वाराणसी है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग रिपोर्ट है, तो ये भी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। 5 स्टार रेटिंग मात्र 6 शहरों को दिया गया है, 3 स्टार 65 शहरों को और 1 स्टार 70 शहरों को।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, वही कुछ शहर हैं। तो इनमें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जो बात है वो आपसे बहुत सीमित स्तर पर ही होंगी, तो हम उसी हिसाब से इसे देख लेते हैं। राज्यों के स्तर पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है फ्रेंड्स, उनमें भी कुछ आंकड़ों को देख लिया जाए। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी रैंकिंग है और इसका चौथा संस्करण था। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT द्वारा इसे तैयार किया जाता है। उद्देश्य क्या है? घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना, कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा करना, और यही एक स्वस्थ सहकारी संघवाद की भावना को भी प्रेरित करेगा। तो प्रथम स्थान इसमें आंध्र प्रदेश का है, जगमोहन रेड्डी वहाँ के जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम वहाँ की तीन राजधानियाँ हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के रूप में बटी हुई हैं। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश यूपी का है, तृतीय तेलंगाना का है, के चंद्रशेखर राव मैंने बताया था इसके सीएम है, और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, पांच पर झारखंड है। सबसे नीचा त्रिपुरा को मिला है 36वां स्थान और बिहार को 26वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अब सुशासन सूचकांक के 2019 की रिपोर्ट है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन भागों में विभाजित करके जो है इसमें कैटेगरी दी गई है। एक तो बड़े राज्य हैं, एक नॉर्थ ईस्ट वाले हैं पूर्वोत्तर राज्य, और एक पहाड़ी और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य तो एक कैटेगरी में है फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। फिर आपके केंद्र शासित हैं और फिर पहले बड़े राज्य हैं। तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु बेस्ट, अंतिम झारखंड, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले में हिमाचल सबसे ऊपर है, मतलब मैप की स्थिति में भी ऊपर है अगर आप देखें तो। ये हिमाचल जो की स्थिति है वो ऊपर है बिल्कुल मैप में भी, और यहाँ पर भी जो है इसमें ऊपर है। अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, तो मैप में भी देखिए अरुणाचल प्रदेश नीचे आता है, जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं उनमें। तो छोटी मोटी तुकबंदी से भी बहुत सारी चीज़ें याद की जा सकती हैं, ये बताने का मेरा एक ही मतलब है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पुडुचेरी, अंतिम लक्षद्वीप। अब थोड़ा आगे चलें, नीति आयोग भी अपनी रिपोर्ट जारी करता है और सारी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20, तो देख लेते हैं इसमें एक बार। संयुक्त तो राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 को जारी इस सूचकांक का मान 0 से 100 है। संपूर्ण भारत का औसत मान 2019 में 60 आंकलित किया गया, और जो रैंक है फ्रेंड्स इसमें केरल है फर्स्ट रैंक पर, 70 उसका SDG स्कोर है। इसके अलावा तो आप देख सकते हैं बाकी बिहार सबसे इसमें नीचे है। इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, नवाचार सूचकांक 2019 तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटका का है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का है। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम इसमें ऊपर है, दूसरा हिमाचल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको कर्नाटका का नाम याद रखना है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल बेस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में। इसके अलावा निर्यात तत्परता सूचकांक भी यहाँ पर जो है देख लेते हैं अपन। भारत के जो 70% निर्यात है वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, तो केवल पांच राज्यों का वर्चस्व है, ये है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु तेलंगाना। इम्पोर्टेंट है, प्रथम स्थान गुजरात का है, द्वितीय महाराष्ट्र का है और तृतीय तमिलनाडु का है। राजस्थान 9वें रैंक पर है। अब ये एक दूसरा सेगमेंट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019,
अब इसमें से फैक्ट बहुत सारे निकल के आएंगे और हमें उनको पढ़ना भी उसी तरह कि एग्जाम में हम उन्हें क्विकली इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं हमारे इस वक्त। तो 30 दिसंबर को उन्होंने भारत में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट जो 16वीं जारी की गई थी उसको प्रकाशित किया गया है और ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये देहरादून में है। और इस बार की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है इसकी खास बात क्या है कि ये दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का इसमें प्रयोग किया गया है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पहली वन रिपोर्ट आई थी 1987 में, तब से लेकर के 32 सालों में 16 रिपोर्ट आ चुकी हैं। इस बार 16वीं रिपोर्ट आई थी 2019 में, अब अगली रिपोर्ट आएगी 2021 दिसंबर में। तो अभी तो हमारे पास लगभग 1 साल से ज़्यादा है, तो हमें यही पढ़ना है। अगले साल तक की जो 1 साल की पूरी एग्ज़ाम है उनमें यही रिपोर्ट काम किए हैं। तो देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, जो 24.56% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण क्षेत्र कितना है? 21%। और वृक्षावरण कितना है? 2.89%। 2017 के आंकड़ों में जो इसमें उछाल आया है यानी कि प्रतिशत जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 0.65%। आपको ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना। वनावरण में वृद्धि और वृक्षारोपण में वृद्धि और देश में कुल मैंग्रोव वन और मैंग्रोव वन में वृद्धि, तो आपको ये सब डाटा याद नहीं रखना। हाँ, मैंग्रोव वन में वृद्धि है वो 54 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है। अब इसके बाद में जो नीचे जितने भी रिकॉर्ड दिए गए हैं वो सभी काम के हैं। कर्नाटक 1,025 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वृद्धि वाले राज्यों को इसमें बताया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य ये MP है सबसे ऊपर, फिर इसके नीचे अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। ये हमेशा यही रहते हैं आमतौर पर, तो आप इन्हें याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये इनका प्रतिशत रहता है फ्रेंड्स। तो ये हमें क्रम याद करना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें इसमें एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि चीज़ें वही पूछेगा जो याद की जा सके और जो सरल हो और सुलभ हो। अब इसमें आगे देखते हैं कुछ तथ्यों के साथ में। देश में अगर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों की चर्चा की जाए तो उसका क्या रिपोर्ट है? कुल 3.83% क्षेत्र में आर्द्र भूमियाँ विस्तृत हैं और भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा गुजरात में आर्द्र भूमि है। वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142 मिलियन टन है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र लक्षद्वीप मिजोरम निकोबार बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो कुल संख्या इसमें 2967 दर्ज की गई है और ये 33% की वृद्धि है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप मान के चलिए कि 2000 समथिंग बाघ थे 2014 में और अब 2018 में मात्र 4 साल में 1000 बाघों की लिटरली जो संख्या है वो बढ़ गई है देश में। तो जाहिर सी बात है सरकारी प्रयासों का ही कमाल है। सबसे ज़्यादा MP में, दूसरे पर कर्नाटका में, हालांकि कहीं कहीं कर्नाटका फर्स्ट दिया होता है लेकिन आप जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट डाटा है हम उसे मानेंगे। उत्तराखंड में तीसरा स्थान है। हमें याद रखने वाली कौन सी चीज़ है फ्रेंड्स? याद रखने वाली एक ही चीज़ है, MP में 526 बाघ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफिंग सर्वेक्षण बाघ गणना 2018 ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है इंडिया के द्वारा जो किया गया है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं।
अगर हम टाइगर रिजर्व के हिसाब से देखें, राज्य के हिसाब से ना देखें, तो देश के 50 बाघ अभयारण्य के 3 अभयारण्य जो डम्फा अभयारण्य, बुक्सा और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। तो 50 बाघ अभयारण्य है जिसमें से 3 में कोई बाघ नहीं बचा है। जाहिर सी बात है, या तो वहाँ कुछ समस्या के कारण ये प्रजाति संकटग्रस्त हो गई, या फिर उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाता है, दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है। तो भारत में कुल बाघ आबादी का 63% 1923 जो है टाइगर रिजर्व में रहते हैं, और बाकी लगभग 1000 कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है। ये बड़ी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया का जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे हम इस तरह के प्रयासों में अगर कुछ करके पॉजिटिव रिजल्ट निकालते हैं तो ये बड़ी चीज़ है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट, तो कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, मवेशियों की कुल संख्या 192 मिलियन है, और गाय का आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा है। तो ये डाटा इतना ही है जो अपने काम का है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एग्ज़ाम पूछी जाए, लेकिन हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें उसे या नेगेटिव ना करें ना ही छोड़ें। तो ऑप्शन देख के अपन को 535.78 मिलियन ये ही जो है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो इसके वर्तमान में मंत्री हैं, जोधपुर मूल के गजेंद्र सिंह शेखावत, वो जोधपुर से सांसद चुन के आते हैं। शीर्ष रैंक तमिलनाडु, जिला पेड़ापल्ली जो तेलंगाना में है, अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य यूपी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019, तो इसमें प्रथम महाराष्ट्र है, और अंतिम राज्य जो रैंक आया है वो यूपी का है। इंडिया करप्शन सर्वे 2019, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तो राजस्थान इसमें सबसे भ्रष्ट राज्यों में आया है, और सबसे कम भ्रष्ट राज्यों में केरल आया है। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुई है, और जो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से अगर मौतों की बात करें तो यूपी जिला इसमें, यूपी राज्य इसमें प्रथम है, और जिलों की बात करें तो पेड़ापल्ली तेलंगाना जो भी हम ऊपर देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब कुछ महान हस्तियां हैं जिनके निधन के ऊपर भी प्रश्न बन सकते हैं कि इस साल कौन से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं जिनका निधन हुआ है। तो एस बाला सुब्रमण्यम, आप इन्हें जानते होंगे जो लोग संगीत का थोड़ा बहुत भी शौक रखते हैं। 90 के दशक और 95 के दशक की जो सलमान खान की जितनी भी पिक्चर हैं उनमें इन्होंने अधिकतर गाने गाए हैं। ये उर्दू कवि थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ दिल का दौरा पड़ने से। अमर सिंह एक प्रसिद्ध राजनेता थे, राज्यसभा सांसद। इसके अलावा कई फिल्मी हस्ती के जो लोग हैं, जैसे वाजिद खान जो एक सिंगर थे, ऋषि कपूर, और ये सब जो हैं आप जैसे जानते होंगे कि कुछ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत बहुत चर्चित रहे, इरफान खान जो राजस्थान के टोंक से उनका मूल स्थान माना जाता है। तो ऐसी कई हस्तियां हैं जो इस पूरे जो 2020 का पूरा कोरोना का मनुष्य समय रहा इसमें चल बसे। तो केशवानंद भारती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एडमेर मठ के प्रमुख, और जो हमारे संविधान में जो मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें इनके द्वारा अपीलें की गई, और भारत संघ वर्सेस केशवानंद भारती विवाद सन 1963 से लेकर अब तक जो चले आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहे, और उन पर बहुत बड़े बड़े जो बेंचमार्क निर्णय हैं वो दिए गए हैं। तो भूमि सुधार कानून पर 1970 में केरल सरकार को इन्होंने एक वाद के रूप में इनका जो केस है वो बहुत फेमस हुआ। पंडित जसराज, ये शास्त्रीय गायक हैं, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी भी देखिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही दिवंगत हुए। डॉक्टर एस पावती, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, इम्पोर्टेंट है।
कृष्णा सोबती व्यास सम्मान से पुरस्कृत एक लेखिका हैं, साहित्यकार हैं। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मनोहर पारिकर आप सभी लोग जानते हैं, गोवा में अपने मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, कैंसर से इनकी डेथ हुई थी। कर्पूरी देवरी ये मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। शीला दीक्षित, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नाम है जो आपको सबको पता होगा, सुषमा स्वराज है और अरुण जेटली है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नामों की लिस्ट में टीएन सेशन साहब हैं, 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कई रिपोर्टों में भी इनका नाम आता है। सुधीर धर कार्टूनिस्ट थे, और जितने भी नाम हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिए, बाकी आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं सभी नामों को पढ़ करके। 2019-20 के प्रमुख मोबाइल ऐप, गरुड़ ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए, संजीवन ऐप ये भी बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी को हासिल करने के लिए, एक इंद्र वज्र ऐप है जो बिहार सरकार ने आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी जो है इसमें आ जाती है, मेघ संदेश ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा मौसम वर्षा बाढ़ के बारे में सही जानकारी सही समय पर मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आयुष कवच ऐप जो यूपी सरकार ने जारी किया, नागरिकों को कुछ औषधीय गुणों के बारे में जानकारी देता है। नेघा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। इसी तरह से आगे चलें तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, ये केंद्रीय सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप को लॉन्च किया, और तकनीक और स्टार्टअप का पता लगाना है जो विश्व के मतलब बड़े लेवल पर जो ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं और वो बुलाते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत ऐप का मतलब यही है कि ऐसे टैलेंट को सामने लाया जाए दुनिया के सामने जो लोगों को पायोनियर के रूप में एक रास्ता आजाद कर सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई ब्लड सर्विस ऐप दिया है जिसमें सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जाएगा नागरिकों को, और इस ऐप के जरिए शहर में ब्लड बैंक में रक्त को उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी कि कहाँ पर कौन सा जो रक्त का जो ग्रुप है मौजूद है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। मेरा वतन ऐप जम्मू कश्मीर के तात्कालिक जो उपराज्यपाल थे लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा जारी किया गया, तो कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आरोग्य सेतु ऐप ये इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन द्वारा इसको मार्केट में उतारा गया, तो इसके तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को सचेत कर देगा। जाहिर सी बात है उस व्यक्ति ने भी इसकी जांच कराई होगी अगर कोई संक्रमित होगा तो। ये भी एप्लीकेशन मैंने भी डाउनलोड किया था, और दिल्ली में जो है इसका सबसे ज़्यादा कंपलसरी किया गया था कुछ दिन के लिए सरकार द्वारा, और लोगों को पुलिस और जो स्वास्थ्य के लोग हैं वो बताते थे कि ये ऐप डाउनलोड होना ज़रूरी है। हम सफ़र ऐप ये पुराना है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में अस्पतालों में होटलों में दरवाजे पर जो ईंधन और डीजल की डिलीवरी करना, ये श्रम मंत्रालय ने इसको जारी किया था। मनी ऐप ये इम्पोर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों की व्यक्तियों की मदद करना, ये मैंने आपको उसमें भी करंट में भी कराया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एम आरोग्य ये भी केंद्रीय मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य हेतु, और खेलो इंडिया ऐप, किसान ऐप, उमंग ये इम्पोर्टेंट है, ई पाठशाला मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, और सभी कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं वो ई बुक के रूप में डिजिटल वेबसाइट पर डाउनलोड करना है ताकि उसे कोई भी बच्चा देख सके पढ़ सके। अगर कोई लॉकडाउन है या प्रदर्शनी है, कोई प्रतियोगिता है, त्यौहार है, तो उसमें भी वो भाग लेने में सक्षम हो, घर से भी वो शिरकत कर सकता है अगर कहीं ऐसे हालात हैं कि बाहर निकलना संभव ना हो तो। खेलो इंडिया पीएम मोदी द्वारा इसमें जनता के बीच में फिटनेस संस्कृति को विकसित करना है। तो ये सारे ऐप हैं फ्रेंड्स,
और इसमें देखो मनी ऐप है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। आरोग्य सेतु ऐप है जो मैंने ब्लॉक में किए हैं गोल गोल, उनको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। कुछ प्रमुख वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल देखिए जो अपन वेबसाइट पर जो सर्च करते हैं कोई भी, जैसे गूगल सर्च इंजन है तो वो वेब पोर्टल कहलाते हैं सामान्यतः। और एप्लीकेशन मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में आता है, वो डाउनलोड करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर से, और वेब पोर्टल को ये सर्च करने पर अपने आप शो हो जाते हैं। स्पैरो पोर्टल जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किया गया और इसका प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा सत्यभामा पोर्टल इम्पोर्टेंट है, कोयला मंत्रालय ने खनिजों के खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना और नए अनुसंधानों का विकास करने हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। चैंपियंस पोर्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ SMME यानी कि स्मॉल मिनी और जो हमारा लघु उद्योग है पूरा, क्योंकि जिसमें स्टार्टअप अपना निवेशक के रूप में नया पैसा लगाते हैं और वहाँ पर जो है आर्थिक क्रियाओं की गति को तेज करते हैं फ्रेंड्स, तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, चैंपियंस पोर्टल इम्पोर्टेंट है। गरुड़ पोर्टल ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा है और ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करना है। राजस्थान में इसकी शुरुआत जब की गई थी, जब यहाँ पर जो वो कीटाणुओं और पाकिस्तान की तरफ से यानी कि अरब सागर की तरफ से आने वाली टिड्डियों का हमला बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, तो बैक्टीरिया तो देखिए डायरेक्ट आपके सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही प्रहार करते हैं, लेकिन जो टिड्डियाँ हैं उनकी बात अगर करें तो ये क्या है कि आम जनजीवन में भी बहुत बड़ा क्योस लाती हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो गरुड़ पोर्टल को उस वक्त भी राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर से शुरू किया गया था। मनोदर्पण पहल मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा छात्रों और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तनाव मुक्त रखने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। देखिए मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐप का एक बार जिक्र किया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे यहां पर ब्लॉक किया है। आगे बढ़े स्ट्रेंडेड इन इंडिया पोर्टल, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा है और आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेंडेड का मतलब क्या है। देखिए विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया, इसके जरिए विदेश में फंसे पर्यटक भारत सरकार और विदेशी सरकार द्वारा घर पहुंचाए जाने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उनकी जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद में आपका शगुन पोर्टल है जो MHRD मिनिस्ट्री द्वारा किया गया, भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु। आगे चलिए तो कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। इंद्रधनुष का 5वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है, तो देखिए इंद्रधनुष तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है और वायुसेना के लिए होता है। धनुष देखिए धनुष कहाँ छोड़ा जाता है, भगवान इंद्र और ये वायु में तो रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, ना थल में रहते हैं ना जल में रहते हैं, तो धनुष को कहाँ छोड़ा जाता है, इंद्रधनुष नाम से अगर हम इसे याद रखना चाहें तो ये आकाश में यानी कि वायु में छोड़ा जाता है। तो ये गाजियाबाद में इसका आयोजन स्थल था। अजय वॉरियर ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच में थल सेना के बीच में हुआ, ब्रिटेन में इसका आयोजक स्थल था। पासेक्स एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है, नवल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। सारेक्स भारत और तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बलों में ये एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच में, ये भी नवल एक्सरसाइज है। इंदिरा नेवी 11th एडिशन तो भारत और रूस के बीच में नवल एक्सरसाइज है जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको अगर टिक लगाता चलूँ तो नसीम अल बहार इम्पोर्टेंट है, सहयोग काजिन भारत और जापान के बीच में, संप्रीति UPSC में भी पूछा जा चुका है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश, बिम्स्टेक का मतलब है जो भारत से जुड़े हुए हिंद महासागर में फैले तमाम देश हैं वो, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड NDRF द्वारा इसको आमतौर पर संचालित किया जाता है। कावकाज बहुपक्षीय देशों के बीच में होती है, मिलन
मिलन नौसेना अभ्यास है और बहुपक्षीय देशों के बीच में होती है। शक्ति शक्ति साहब फ्रांस और भारत के बीच में होती है। थल सेना एक्सरसाइज है, इस बार ये राजस्थान में हुई। महाजन फायरिंग रेंज है जो बीकानेर में, ये इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। एफिंडेक्स भारत और 17 अफ्रीकी देश। अल नगा भारत और ओमान के बीच में। इम्बेक्स भारत और म्यांमार। इम्बेक्स तो आई से इंडिया और एम से जो है म्यांमार है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच में। इंद्र को आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इंद्रधनुष से या इंद्रा से, इंद्र मतलब रशिया के साथ में। धर्म गार्डियन ये भारत और जापान के बीच में है। वज्र प्रहार ये तीनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये लास्ट की जितनी भी दी हुई हैं 8 के 8 नवल एक्सरसाइज हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इन्हें आप बहुत अच्छे से कीजिए। मैं इनको अच्छे से टिक कर देता हूँ एक बार। तो इंद्र, धर्म गार्डियन, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास, नोमेडिक एलिफेंट, प्रबल दोस्तिक, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। नोमेडिक है ये वर्ष 2017 यूपीएससी में या 18 में यूपीएससी में पूछा गया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत विशिष्ट नहीं होती लेकिन एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। काजिंद है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुई है, थल सेना की एक्सरसाइज है। एक्वेरिन मालदीव और भारत के बीच में है। सिम्बेक्स एस से सिंगापुर और आई से इंडिया। जायल अल बहर ये भारत और कतर के बीच में नवल एक्सरसाइज है और दोहा में आयोजित हुई है। देखिए आयोजन स्थल तो शायद ही आपसे पूछा जाए, ये पूछने की चीज़ नहीं है लेकिन नॉलेज में होनी चाहिए बातें। बाकी आपको इतना जरूर पता होगी किन देशों के बीच में होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें ब्लॉक, ये भी आपको पता होना चाहिए, आइडिया हो। वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। देखिए अभी इस साल जो है भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो एक नए चरम पर जाके पहुँचे हैं क्योंकि हमने राफेल लिया है और भी बहुत सारी डिफेंस डील उनसे हमने साइन की है। तो हमारे दोनों देशों के बीच में जो सामरिक संबंध हैं उनके संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से भी भारत की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में बहुत ज़्यादा क्योस बढ़ा है पिछले 2 साल में। अगर मैं ट्रेड को लेकर बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में चीन की 100% कंपनियों ने हर प्राइवेट सेक्टर में अपना जो होल्ड है कायम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया ने उसे कोविड के बाद में धीरे धीरे बाहर करना शुरू कर दिया है। तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब है और दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो अपना मित्र होता है। तो ये जो वैश्विक राजनीति है वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम करती हैं फ्रेंड्स। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी जितनी भी नवल एक्सरसाइज हुई हैं जैसे यहाँ पर ऑसिन डेक्स है, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। मालाबार भारत जापान अमेरिका ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त गरुड़ भारत और फ्रांस। तो ये कुछ प्रमुख एक्सरसाइजें जो मैंने ब्लॉक की हैं, बाकी ये एक्सरसाइज आपको पता होने ज़रूरी हैं, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। नॉर्मली इनसे ज़्यादा और कोई नहीं पूछी जाती लेकिन भारत और फ्रांस की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलते हैं कुछ और अन्य सैन्य अभ्यास। ट्राइगर ट्राइम्फ त्रिसेवा अध्यक्ष ये भारत और अमेरिका के बीच में। खंजर किर्गिस्तान। करुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। इसके अलावा लामिति ये भारत और शेसल के बीच में हुई है। कोंकण ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई है, नवल एक्सरसाइज है। जाइमेक्स यानी जापान और इंडिया। सिंधु दर्शन ये भारत में जो थल सेना का एक हथियार परीक्षण वो है अभ्यास। बोल स्ट्राइक ये भी भारत में तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। गगन शक्ति भी इसी तरह से है, भारत की वायुसेना अपने हथियारों को परीक्षण करने के लिए दमखम आजमाती है। और हिमविजय ये भारत द्वारा थल सेना जो है उसके रूप में इसका नेतृत्व किया जाता है। अब नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में प्रकाशित कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पुस्तकें बहुत सारी हैं, 100 पुस्तकें इस साल लिखी गई हैं जो मतलब हमेशा न्यूज़ मीडिया में चर्चा का विषय रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हर पुस्तक अपन को पढ़नी नहीं है। अच्छी पुस्तक की विशेषता ये कि उसकी जो रेटिंग है और उसकी जो
मार्केट सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है अन्य पुस्तकों की। तो ऐसी पुस्तकें गिनती की 100 में से मुश्किल से 10 से 12 पुस्तकें हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना है, बाकी को इतना ज़्यादा वेटेज और उनको अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। पहला मैं आपको बताऊं, जैसे कि पहली आप देख रहे होंगे चेतन भगत साहब की है, वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। अगला है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, मुकुंद कुमार नरवणे, ये हमारे थलसेना प्रमुख भी हैं। सुधा मूर्ति ने लिखी है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। इसी तरह से आप काफ़ी चीज़ें पढ़ने की हैं इसमें, बाकी ज़्यादा खास वो नहीं है। गौरी खान और करण जौहर, ये बॉलीवुड से जुड़ी हुई वो हैं हस्तियाँ, तो इनकी पुस्तकों को बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। एक शोभा डे ने लिखी है लॉकडाउन लियाइसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा थोड़ा और नीचे चलेंगे, सविता छाबड़ा की है लिगेसी ऑफ लर्निंग। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड साहब ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो रस्किन बॉन्ड की जितनी भी किताबें हैं वो सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो हमें अच्छे से पढ़नी है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, ये मैंने आपको करंट में भी कराया है, फंग फंग एंड माइकल बेरी द्वारा लिखी गई है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त उर्जित पटेल साहब ने लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, और जाहिर सी बात है RBI जैसी बड़ी संस्था का एक हिस्सा रहे हैं तो इनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सैमन टफेल ने फाइंडिंग द गैप्स लिखी है, क्रिकेट वो हैं ये जो एम्पायरिंग करते हैं। अमित शाह द्वारा प्रकाशित पुस्तक है कर्म योद्धा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 5 स्टार दीजिए इसको क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित है जिसमें जीवन के संघर्षों पर विजय पाने की एक सक्सेस स्टोरी और मोटिवेशन लिखा हुआ है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है कर्म योद्धा। इसके अतिरिक्त मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने लिखी है डिजिटल नेशन, ये एन चंद्रन शेखरन और रूपा पुरुषोत्तम ने लिखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकमिंग मिशेल ओबामा की है जो फर्स्ट लेडी यानी कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ है। शशि थरूर द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, सलमान रुश्दी की चोटे, ठीक है, तो इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा उटपटांग है, आप इसको जो है अच्छे से थोड़ा याद रखिए कि सलमान रुश्दी ने लिखी है। जीडी बख्शी, ये आर्मी से रिटायर जनरल हैं और जो चाइना इंडिया का वॉर हुआ था 71 में उसमें भी ये भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। तो सरस्वती सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं काफ़ी, और कई दशकों से पार्टी में, लगभग 4 दशकों से पार्टी में अपनी उपस्थिति को बनाए हुए हैं। रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी। इसके अतिरिक्त अनुपम खेर ने क्या लिखी है, लेसन ऑफ लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये एक उनकी आत्मकथा है। विमल जालान जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त शाहिद अफरीदी और वजाहत खान ने लिखी है गेम चेंजर, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट सेलिंग का से पाकिस्तान में ही अवार्ड मिला है। बाकी अगर अपन आगे चलें रस्किन बॉन्ड की कमिंग राउंड द माउंटेन, बाबा रामदेव और उदय महुरकर की एक किताब है माई लाइफ माई मिशन, देखिए आप यहाँ पर भी इस किताब को देख सकते हैं। प्रोमिस लैंड बराक ओबामा ने लिखी है। इसके अतिरिक्त अरुंधति राय ने आज़ादी फ्रीडम फैसिसिज्म एंड फिक्शन लिखी है। ऊपर जाएंगे एस जयशंकर साहब हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड।
मलाला यूसुफजई की कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। शशि थरूर की द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, बराक ओबामा ने भी जो अपनी किताब लिखी थी उसमें उन्होंने काफ़ी सारे फैक्ट जो उस वक्त भारतीय राजनीति के उनको जो भी अनुभव रहे थे, चाहे वो गांधी फैमिली हो चाहे वो मोदी सरकार का नया नेतृत्व हो, तो उन्होंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उस किताब की चर्चा भी काफ़ी रही है। अब है यहाँ पर कुछ वर्ष 2019-20 के चर्चित पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार नागरिक सम्मान होते हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारे देश में भारत रत्न है, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार, नागरिक सर्वोच्च सम्मान है देश का। उसके बाद में पद्म पुरस्कार आते हैं, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये सारे पुरस्कार जो हैं भारत रत्न के बाद में आते हैं। तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो फ्रेंड्स, ये पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। 2020 में 141 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी गणतंत्र दिवस पर। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 16 और पद्मश्री 118। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जिनमें 33 महिलाएं और 12 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। तो पद्म भूषण तो देखिए अरुण जेटली और सुषमा स्वराज इनको मिला है। मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, ये पूर्व रक्षा और रेल मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मोदी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं, तो ये है विश्वेश तीर्थ स्वामी। पद्मश्री, तो पद्मश्री में बॉलीवुड की हस्तियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार इनको थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेना है, बाकी इसमें ज़्यादा एग्जाम में आने लायक इसमें से नहीं है। पद्म भूषण, तो एम मुमताज अली इनको अध्यात्म के लिए मिला है, और मनोज दास इन्हें साहित्य और शिक्षा के ऊपर मिला है। आगे चलें तो यहाँ पर आनंद महिंद्रा साहब हैं, जो व्यापार और उद्योग जगत के महिंद्रा कंपनी है उसके मालिक हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं अपने ट्वीट और सोशल मीडिया अकाउंट पर। एक आपके मनोहर पारिकर जो सार्वजनिक मामलों में मिला है, और ये कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त पीवी संधू। अब कुछ नोबल पुरस्कार देखते हैं वर्ष 2019 के। तो देखिए, चिकित्सा के जो क्षेत्र में मिला है, तो ये नाम है विलियम केलिन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेगल सेमेंजा। तो मानव कोशिका में किस प्रकार प्रतिक्रिया करती हैं और ऑक्सीजन उपलब्धता के अनुकूल वो होती हैं, तो इन सबसे जो जुड़ी हुई खोज है, जाहिर सी बात है स्टेम सेल की संभावनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ों पर शोध किया जा रहा है, और सफलता की ओर ये आगे भी बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भौतिकी में मिला था जेम्स पीबल्स, देदर क्ले क्लेविलोज और मिशेल मेयर। तो ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज और बाह्य ग्रह की खोज हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री रसायन में लिथियम आयन बैटरियों के लिए दिया गया है। तो लिथियम आयन आपसे पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री में यानी कि रसायन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, वो लिथियम आयन बैटरियों के लिए दिया गया है। कि इनका क्या है कि एक तो साइज और शेप इनका बहुत कम है, और इनका पावर बैकअप है ना वो बहुत ज़्यादा सेफली और कन्वीनियंट इनका यूज किया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में मानव अनुभव की परिधि और विशेषता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने का कार्य हेतु ये दिया गया है। शांति का जो है ये इथियोपिया के पूर्व राष्ट्रपति अबी अहमद अली को दिया गया है। पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए उनकी निर्णायक पहल के लिए। अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए, तो इसमें क्या है कि नज फॉर्मूला अपनाया गया है कि लोगों को अपनी शौक और आवश्यकता के अनुसार जो मार्केट में ज़रूरत होती है उस हिसाब से अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो इसमें बताया गया है। तो भारतीय मूल के अभिजीत बैनर्जी को इसमें शामिल किया गया है, और एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आपको किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए,
पहला क्वेश्चन इसमें से संभावना ये है कि रसायन शास्त्र में किस चीज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया है, ये लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो शांति का नोबल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है अभी अहमद अली, या पूछ सकता है कि अभी अहमद अली जिन्हें नोबल शांति पुरस्कार मिला है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं, ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं सॉरी, और पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ उन्होंने संघर्ष को सुलझाने के लिए उनकी निर्णायक पहल के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये हमारे भारतीय, किस भारतीय मूल को जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला है, तो अभिजीत बैनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल मूल के वो हैं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, वर्तमान में ये ऑक्सफोर्ड या यूएसए की कई अन्य जो वैश्विक संस्थाएं उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। तो ये आपको चीज़ें हैं इस तरह से याद रखनी है, बाकी चीज़ें आप एग्ज़ाम होने के बाद में भी अगर आप हमसे आके बोलेंगे कि जो चीज़ें आपने बताई थी, क्योंकि अगर नोबल में से क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन किसी ना किसी बेस पे बनाया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं कि जो सामने दिख गया और उठा के रख दिया, क्वेश्चन के लिए एक आधार तैयार किया जाता है, तो उसमें जो सबसे ज्वलंत चीज़ें होती हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 ये आपको मिला है डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु, कुष्ठ रोग कार्य के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन, जो पर्यावरण के लिए आंदोलन के लिए बहुत बड़ी एक स्कूली छात्रा है, लेकिन 16-17 वर्ष की स्कूली छात्रा है जर्मनी की, लेकिन इसने पर्यावरण के लिए जिस तरह से अपने स्वरों को मुखर किया है फ्रेंड्स, वो बहुत सराहनीय है, तो ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा दिवीना मेलोम, ये बोको हरम जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसके खिलाफ अपना विरोध करने के लिए इनको जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार 2019 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे हैं हमारे भारत के, भूपेन हजारिका ये संगीतकार हैं, नानाजी देशमुख ये महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहला 46वां प्रणवदा को, उसके बाद में भूपेन हजारिका को, फिर नानाजी देशमुख। गांधी शांति पुरस्कार योही सासाकावा 2018 का है, रमन मैग्सेसे, रवीश कुमार जो भारतीय पत्रकार हैं एनडीटीवी चैनल के, और अलग विचारधारा रखने के कारण और ईमानदारी से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। किम जोंग की, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं दक्षिण कोरिया की, इसके अतिरिक्त ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किम जोंग की और रवीश कुमार, बाकी के लिए ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बस पढ़ लीजिए एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। गांधी मंडेला शांति पहल पुरस्कार 2019 पहली बार इसका जो है अनावरण किया गया है, तो गांधी मंडेला शांति पदक थिक नॉर्थ हॉर्न, ये वियतनाम की हैं, इनको दिया गया है। पर्यावरण के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार महेंद्र मोदी को और डॉक्टर अच्युत सामंत को, सामाजिक प्रहार के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो, ये प्राकृतिवादी प्रसारक हैं, ये पुरस्कार इसरो यानी संस्था और व्यक्ति दोनों को दिया जाता है, तो इससे पहले इसरो को भी दिया जा चुका है, और प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनको भी ये दिया जा चुका है। तो 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, और 2019 सर डेविड एटनबरो, ये इंपॉर्टेंट है। मिसफर 2019 टोनी एन सिंह, ये जमैका की हैं और भारतीय मूल की हैं। मिस यूनिवर्स जोजी वनी टुंजी, मिस अर्थ 2019 नेलिस पेमेंटम, मिस इंडिया सुमन राम राजस्थान के राजसमंद की हैं। मिस दीवा यूनिवर्स एडलिन कैस्टलिनो, ये कर्नाटका की हैं। अब कुछ फिल्म जगत से जुड़ी बातें, ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, और सहायक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ब्रैड पिट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स जो जोकर के रूप में आते हैं, आपने उन्हें और भी अन्य मूवी में डार्क नाइट में भी देखा होगा, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट बेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी जैसी एग्जाम में आने के लिए। तो
बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2020, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917, और अभिनेता वही जोकिन फिनिक्स यानी कि जोकर। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट जो इसी पिक्चर में अपना किरदार निभा रहे थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में कुल 11 अवार्ड मिले। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, ये हेलोर है एक गुजराती फिल्म, उसे मिला है। अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए मिला है। और विकी कौशल आयुष्मान खुराना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। अभिनेत्री में कीर्ति सुरेश और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में डायरेक्टर में आदित्य धर जो इन्होंने उरी पिक्चर भी बनाई थी। इसके अतिरिक्त 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत सन 1969 में हुई थी। तो पहला किसे मिला था? देविका रानी। और उसके बाद में जो अब तक जर्नी रही है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इसी तरह से आप देखिए कि एग्ज़ाम अगर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो, जो ज़्यादा आने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार ये सब पढ़ लेना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया रेड पेन से वो आपको ज़रूर पढ़ना है फ्रेंड्स, इसे भी हटा दीजिए, कोई संभावना नहीं है इसके पूछे जाने की। 1917 बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके अलावा और कुछ भी आने का नहीं है। साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं ये इम्पोर्टेंट हैं सभी, देख लेते हैं कुछ। व्यास सम्मान, ये नासिरा शर्मा उपन्यास कागज के नाव 2018 में लीलाधर जगुड़ी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम। सरस्वती सम्मान, ये है साहब वासुदेव मोही बिहारी पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है। आयदान सिंह भाटी आँख हेरा हरियल सपना और मनीषा कुलसेठ स्वप्नपाश 19 और 2018 में ये दिया गया और दोनों ही राजस्थान के हैं। राजा राममोहन राय पुरस्कार गुलाब कोठारी को, जो पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन है, बहुत वीआईपी आदमी है और हमेशा हर प्रतिष्ठित जो राजस्थान के लोग हैं उनमें इनका नाम जो है काफ़ी ऊपर आता है। इसके अतिरिक्त लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार संजय गुप्ता, जेसीबी पुरस्कार माधुरी विजय, मैन बुकर पुरस्कार मार्गेट एटवुड, मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ तिवारी और ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतन नंबूतरी, एक मलयालम कवि हैं, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि कुछ ही दिन पहले इनका देहांत हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य छिलते हुए अपने को। इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ों में आपको ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखना सभी को है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड सोनम वांगचुंग, सोनम वांगचुंग आप जानते ही हैं, लद्दाख के हैं, उद्योगपति व्यक्ति हैं और थ्री इडियट में जो फुनसुक वांगड़ू का रोल आमिर खान ने किया था थ्री इडियट में, तो उसमें इन्हीं के रोल से ही जो चेतन भगत साहब का नॉवल था उससे काफ़ी मिलता जुलता था ये। पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन, इम्पोर्टेंट कीजिए इसे भी। गुलबेन कियन पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी पुरस्कार आर रामानुजम को। संगीत कला निधि पुरस्कार एस सौम्या को, ये सारा मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है। प्रीत्ज़र अवार्ड अराटा इसोजाकी को 2019 में। इसके अतिरिक्त ग्लोबल टीचर प्राइज पीटर ताबिची और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सिवान जो इसरो के अध्यक्ष हैं। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये मिला गजानंद यादव को। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंट मान के पढ़ना है, बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको जो विदेशों में जाने पर जो सबसे ज़्यादा सम्मान और ख्याति मिले हैं, उनके बारे में एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, यूएई में ऑर्डर ऑफ जायद, दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार, यूएनओ में चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है यूएनओ का, रूस में सेंट एंड्रयूज पुरस्कार, क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये फिलिप कोटलर पुरस्कार दिया गया। देखिए, ये तो संस्था है या देश है, फाउंडेशन है, और पुरस्कार ये हैं जहाँ पे आप ये लिखा हुआ है। मालदीव में रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन, सऊदी अरेबिया में ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल शेस पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान में अमीर अमानतुल्ला खान पुरस्कार, फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। तो सऊदी अरब, अफगानिस्तान और यूएनओ वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खेल संबंधित पुरस्कार है कुछ, तो इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हमारे जो मेंस के सब्जेक्ट में, आरएस मेंस में भी एक सब्जेक्ट है खेल का और योगा का, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। क्वेश्चन हमेशा प्री में, मेंस में ज़रूर आएंगे, कोई भी परीक्षा हो देश की, हर परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो रोहित शर्मा को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैं बता दूं कि हमारे देश में खेलों की अगर बात करें तो खेलों का नोबेल प्राइज़ है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सन 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। रोहित शर्मा क्रिकेट के उसमें मिला है। मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स हाई जंपर, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी, तो इनमें आपको इन सबको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार ईशांत शर्मा, अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्रिकेट में ईशांत शर्मा को ही और दीप्ति शर्मा वुमेन उससे और ये मेल चॉइस से चुने गए हैं, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। किस क्रिकेटर को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा विमेन टीम से। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के लिए और कृष्ण कुमार हड्डा कबड्डी के लिए, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरालिफ्टर और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती, ये फ्रेंड्स वो हैं जो सबसे लेटेस्ट में आए हैं और ये कोचेस को मिलते हैं मेन रूप से। ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार में क्या है, कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स के लिए, इसके अतिरिक्त सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल के लिए, मनप्रीत सिंह कबड्डी के लिए और मनजीत सिंह रोइंग के लिए, सचिन नाग तैराकी के लिए और नेत्रपाल हड्डा कुश्ती के लिए। बाकी ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने की इनकी संभावना ना के बराबर है किसी की भी। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 रानी रामपाल, विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड में जो पर्सन ऑफ द ईयर है, मेल कैटेगरी में सौरभ चौधरी और फीमेल में पीवी संधू, इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन में बजरंग पूनिया जो एक बॉक्सर है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टॉक इंग्लैंड के वो हैं बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के रोहित शर्मा, स्प्रिट ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, T20 में दीपक चाहर राजस्थान के हैं, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर में एलिस पेरी को दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसमें भी जो है महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर एरिस पेरी को दिया गया है। बेहतर होगा अगर आप इनको इमेज से सर्च करें एक बार इंटरनेट पे, तो क्या कि याद रखने में बड़ी आसानी होती है। पॉली उमरीकर पुरस्कार ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। सीके नायडू ट्रॉफी के श्रीकांत को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजुम चोपड़ा को। इसके अतिरिक्त लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार
बैलन डी आर जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए दिया जाता है, जाहिर सी बात है लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, और मेगन रेपिनो ये वुमेन कैटेगरी में दिया गया है। ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल जो है उसमें भी अवार्ड दिए गए सुनील छेत्री और आशा लता देवी, बाकी इसमें से कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं का मतलब ये कि इन पर अपन को थोड़ा कम फोकस देना है, लेकिन पढ़ना सभी को ही है, ठीक है ना। एक बार रीड तो सभी को करके जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन जो बताएं उनको अच्छे से करना है। दो हज़ार 19-20 में कुछ टॉर्किनो और मतलब कुछ तूफान आए हैं तो उनको देख लेते हैं। मैक्सिको में आया था क्रिस्टोबल तूफान, और निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात में आया, ये इम्पोर्टेंट है। निसर्ग अम्फान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आया हुआ, इसके अतिरिक्त हेगिबिस जापान में, फेक्सई जापान में, और वायु गुजरात में, फोनी उड़ीसा में, फोनी भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया के जितने भी वो हैं प्राकृतिक विध्वंस हुए हैं उनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ष 2020 के प्रमुख संगठन या राज्य द्वारा घोषित विषय, विश्व स्वास्थ्य संगठन नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और हरियाणा में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा, तेलंगाना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसके अतिरिक्त लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में है, लोसार हिमाचल प्रदेश में है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में है, बोनाल उत्सव बुद्धकम्मा ये तेलंगाना में है, आदि महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है, लोसार महोत्सव एक आपका लद्दाख में भी है। देखिए लोसार दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो हिमाचल और लद्दाख दोनों में मनाया जाता है। हॉर्नबिल ये इम्पोर्टेंट है, नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल पक्षी है फ्रेंड्स। मांडू उत्सव एमपी में, और चेरी ब्लॉसम शिलोंग मेघालय में। तो ये जो चीज़ है आपको ये याद करनी है, ये इम्पोर्टेंट है त्यौहार जो मैंने आपको बताया उन्हें तो आपको ज़रूर पढ़ना है, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना है। ये पक्षी है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के त्यौहार हैं। प्रमुख खेल घटनाक्रम, इसके बारे में मैं आपको अपडेट अभी और दे दूंगा, पीडीएफ में से जोड़ भी दूंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि सख्त जमीन पर खेला जाता है। पुरुष में नोवाक जोकोविक ने इसे खिताब जीता है, महिलाओं में सोफिया केनिन ने। उपविजेता इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे मैं अपडेट कर दूंगा। और फ्रेंड्स यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसके पुरुष विजेता डोमिनिक थियम है और महिला विजेता नाओमी ओसाका है जापान की, तो ये इम्पोर्टेंट है नाओमी ओसाका। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो में होंगे, इसका शुभंकर है मराइटोबा। और पैरा ओलंपिक टोक्यो में होने वाले हैं, सोमेटिस का शुभंकर है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और बोरो भी इसका शुभंकर था। एशियाई खेल ये जकार्ता और पलेमबंग में हुए थे, भिन्न भिन्न पक्षी हिरण और गेंडा इसके शुभंकर हैं। राष्ट्रीय खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो गोवा में हुए थे और फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल इसका शुभंकर था। जय विजय गुवाहाटी असम में सर्वानंद सोनोवाल ने इसका जो है उद्घाटन किया था, ये इम्पोर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बाकी मैं इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 2019-20 में हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन, तो देखिए सातवां महिला जो T20 विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है।
विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता भारत है, यानी कि भारत फाइनल में हार गया। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इंग्लैंड जीता है इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई, प्रथम स्थान जापान का रहा, भारत का स्थान इसमें तीसरा है 5 स्वर्ण के साथ में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप ये इंग्लैंड में आयोजित हुई, विजडन ट्रॉफी ये भी इंग्लैंड में आयोजित हुई, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये दक्षिण अफ्रीका, विजेता बांग्लादेश, उप विजेता भारत। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 ये एकतेरिनबर्ग रूस में आयोजित हुई, विश्व महिला मुक्केबाजी ये उलान उड़े रूस में आयोजित हुई, रूस का ही प्रथम स्थान था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये बासेल स्विट्जरलैंड में वो ही। राष्ट्रीय खेल आयोजन की बात कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र पिछले 70 वर्षों में पहली बार जीता, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकने वाला वो है एस्पेक्ट। मुंबई ने अब तक ये सबसे ज्यादा 41 बार इस खिताब को जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भुवनेश्वर में आयोजित हुआ और विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गुवाहाटी में हुआ, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था, ये इंपॉर्टेंट है। देवधर ट्रॉफी ये आपकी बी टीम जीती है, इंडिया बी टीम, और उपविजेता इंडिया सी टीम रही। इसके अतिरिक्त विजय हरारे ट्रॉफी ये आपकी कर्नाटक ने जीती है, दिलीप ट्रॉफी ये इंडिया रेड टीम ने जीती है, और डूरंट कप विजेता टीम गोकुलम केरला टीम। इंडियन सुपर लीग ये इसमें बेंगलुरु टीम जो है जीती है और ये मुंबई में आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त आगे चलें तो 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ये इंग्लैंड और वेल्स में जो है आयोजित किया गया था, और कुल देश इसमें 10 थे। विजेता देश इंग्लैंड पहली बार विजेता बना, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच बेन स्टोक्स बने, और सर्वाधिक जो रन है वो रोहित शर्मा ने बनाए, शतक भी उनके नाम रहे, और गोल्डन बैट पुरस्कार भी उन्हें मिला। इसके अतिरिक्त मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के बहुत शानदार बॉलर हैं, तो गोल्डन बॉल पुरस्कार और सर्वाधिक विकेट उनको मिले, और छक्के इयान मॉर्गन ने लगाए। आगामी खेल आयोजन तो 13वां जो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 है ये वर्ल्ड कप भारत में होगा, और 12वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। क्रिकेट का जो टेस्ट वर्ल्ड कप है 2021 का वो भारत में होगा, अगला T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला भी भारत में होगा। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भी भारत में होगा, और फ्रेंड्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होने वाली है 2021, भारत में ही आयोजित होगी। सबसे ज़्यादा चर्चित और जो इंतज़ार है क्रिकेट प्रेमियों का। फुटबॉल 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जाएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में, और 33वां ये पेरिस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन 32वां। एशियाई खेल 19वें जो 2022 में होने वाले हैं ये हांगजू चीन में आयोजित होंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल जो 22 में है 2022 में होने वाले हैं वो बर्मिंघम यानी कि यूनाइटेड किंगडम में होंगे। राष्ट्रीय खेल है 36वें 2020 में होने वाले वो गोवा में होंगे, और अगले 4 साल 2020 21 22 23 के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। बाकी और कोई ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है हमारा
प्रमुख जीआई टैग है। तो देखिए जीआई टैग हमेशा इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी ये क्या है कि मैच द कॉलम के हिसाब से भी पूछा जा सकता है आपसे। मैच द कॉलम यानी कि मिलान करो या कौन सा सही नहीं है, तो इस तरह से इनका जो आइडिया है वो हमें होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे पूरा जो है अपन को कवर करना है, ताकि किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को अगर अपन ऑप्शन में देखें तो वहाँ पर अपन क्वेश्चन को नेगेटिव करने के जो चांस हैं वो ना के बराबर हो। तो देखिए मणिपुर में सबसे पहले ब्लैक राइस, ये चावलों के लिए है। कश्मीर में कश्मीरी केसर, शायद ही इसको कोई पूछे क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। तेलंगाना में एक तो रुमाल है यानी कि जो हमारा नॉर्मली जो अपन बोलते हैं एक हैंकी, और एक है आदिलाबाद डोकरा यानी कि जो मेटल क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। ये भी एक जैसे कि हस्तशिल्प कलाएं होती हैं उसी तरह से जो मेटल की क्राफ्ट हैं उनके लिए ये फेमस है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आप ब्लैक राइस को लगाइए। इसके अलावा आगे चलें एटू मिशमी कपड़ा, तो मिशमी वहाँ पर जो है पहाड़ी भी हैं और उन्हीं पहाड़ी के जो लोग हैं ये एटू मिशमी कपड़े का जो है उत्पादन करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी जो है अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण जीआई टैग से मिला है। मिजोरम में एक तो शॉल है नंगो तेखे, और एक है पांडुम शॉल, एक है हमराम शॉल, एक है तावलो पुआन शॉल, और एक है मिजो पुआन चेई शॉल। तो यह कुल मिला के क्या है कि शॉल के लिए, तो देखिए शॉल के लिए इतनी सारी शॉल हैं तो ये क्वेश्चन बनना यहाँ से भी बहुत रेयर चांस है, नहीं बन सकता। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का काला जीरा और चूली का तेल और काला जीरा। वर्तमान में प्यारे बच्चों आपको याद हो तो मैंने पिछले महीने के जो करंट अफेयर में आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले हींग की जो खेती होगी वो आपकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हो रही है। इससे पहले हम हींग को जो है ईरान और इराक जो खाड़ी देश हैं वहाँ से आयात करते थे, तो अब ये हींग की खेती हिमाचल में होना शुरू हो गई है और काफ़ी बड़ी वृहद मात्रा में हो रही है। कम से कम देश की जो आवश्यकता है उसके लिए हमें आयात पर निर्भर ना होना पड़े, तो इसको भी अपन को जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिक करना है। बाकी काला जीरा ये इम्पोर्टेंट है निश्चित रूप से। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में गोरखपुर टेराकोटा मूर्तिकला के लिए चुनार बलुआ पत्थर, तो आप ये गोरखपुर टेराकोटा इसको इम्पोर्टेंट कीजिए। बिहार में एक आपका शाही लीची और एक आपका मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। बाकी तो कतरनी चावल, जरदाली आम और मखाना और सिला खाजा। ओडिशा में ओडिशा के रसगुल्ले ये इम्पोर्टेंट है, और कंदमाल हल्दी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 साल पहले मिला था। छत्तीसगढ़ में जीराफुल चावल, गुजरात में पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुद्रा। देखिए ये मुर्गा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक चिकन होता है, और इसका मांस भी जो है लगभग 4 गुना महंगे दामों पर मिलता है, 4 गुना से भी ज़्यादा महंगे दामों पर मिलता है। तो ये भी 3 साल पहले लगभग जो है एमपी में इस मुर्गे को जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की ग्रीन और वाइट टी, देखिए दार्जिलिंग की ग्रीन टी हमारे देश में जो सबसे पहला जो जीआई टैग है, देश का प्रथम जीआई टैग है, ये देश का प्रथम जीआई टैग है। अगर इस तरह के जो वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की बात करें तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको देश का पहला जीआई टैग माना जाता है, फर्स्ट। झारखंड कोहबर कला ये इम्पोर्टेंट है। असम में काजी नेमू, बैक्सोल चावल। तमिलनाडु में केविल पट्टी कदलाई मितई यानी कि मूंगफली की कैंडी आती है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एक है पलानी पंचमृतम प्रसाद, डिंडीगुल ताले। डिंडीगुल ताले अभी वर्तमान में जो इसका व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो सरकार ने उनके रिहेब यानी कि इस उद्योग को फिर से बसाने के लिए काफ़ी सारी वहाँ पर प्लान और योजनाएँ शुरू की हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंडंगी साड़ी, त्रिभुवन मिल्क साड़ी, कोडई कनाल मलाई पिंटू यानी लहसुन केक वो है, एक इरोड हल्दी, एक श्री विल्ली पुत्तूर पलकोवा एक मिठाई का रूप है। तो फ्रेंड्स जो मैंने ब्लॉक किए हैं ये आपको याद होने चाहिए अनिवार्य रूप से। केरल का मरयूर गुड़, तिरूर पान का पत्ता, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तो रोबस्टा कॉफ़ी
ये कॉफ़ी की किस्म है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वृहद मात्रा में उत्पादित होती है। गोवा में आपके हरमल मिर्च और मांडोली केला, कर्नाटक में अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग चिकमंगलूर और गुलबर्गा तूर दाल, कोल्हापुरी चप्पल, अरेबिका कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, केरल में है, अरेबिका कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सांगली हरदी, देखिए सांगली एक वहाँ पर ज़िला भी है महाराष्ट्र का, अल्फांसो आम जिन पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया था 2 साल पहले, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। तो अल्फांसो आम कहाँ से हैं देश में, महाराष्ट्र से हैं, और कोल्हापुरी चप्पल ये भी महाराष्ट्र से है। देखिए कोल्हापुरी चप्पल गोवा में भी जो है ये इसको GI टैग प्राप्त है, जैसे कि आप यहाँ पर आके देखें कोल्हापुरी चप्पल, सॉरी कर्नाटका और जो महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल दोनों को ही GI टैग प्राप्त है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी की बात करें तो अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रथम अनुसूची है वो भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है, तो जिनकी संख्या वर्तमान में 29 है और 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 हैं। देखिए जो अपडेटेड जानकारी है वो आप उसको ध्यान रखेंगे क्योंकि करंट अफेयर में सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। यहाँ पर जो है कंटेम्प्रेरी मेन तो और साथ में जो जो हमारी डेट जीके होती है उसको भी लेते हुए हम करंट को करवा रहे हैं। बाकी जो डेली टू डेली बेस पे करंट अफेयर होते हैं उनमें भी सारी चीज़ें बार बार रिवाइज होती हैं और अपडेट होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं वो भी सही हैं और जो अपडेट होने वाली चीज़ें हैं उनको भी हमें साथ में कवर करते हुए चलना है। द्वितीय अनुसूची में देखिए क्या है कि जितने भी हमारे विभिन्न राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं जो फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया हैं, फिर राज्यपाल हैं, फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी तरह से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, फिर हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जो द्विसदनात्मक व्यवस्था में जब विधान परिषद का वो है उल्लेख वहाँ पर सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद, ये 2 बार रिपीट हो गया। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, इनको प्राप्त होने वाले जो भी वेतन भत्ते हैं और पेंशन है उनका उल्लेख किया गया है इसमें। तो इस सूची का जो संबंध है वो अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 148 CAG के लिए है, जाहिर सी बात है। इसी तरह से जितनी और ये अनुच्छेद हैं जैसे कि ये राज्यपाल के लिए है, तो इसी तरह से ये सब, ये 221 हाईकोर्ट के लिए है। तो ये सब अपने अपने जो बड़ी बड़ी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका आर्टिकल्स में उल्लेख है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पद है और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद भी आपको यहाँ दिए गए हैं। अनुच्छेद के लिए आपको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, ये आमतौर पर डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। इनमें से पूछे जाने वाली जो बात है वो बस इतनी होती है कि यदि कोई व्यक्ति और कोई पद चर्चा विशेष में है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, बाकी हर अनुच्छेद आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तृतीय अनुसूची, तो ये जितने भी पद जिनका हमने जिक्र किया है इनके द्वारा पद को ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो नटसल में बोलू तो देखिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, इसमें किस तरह से हम याद रखेंगे। तो प्रथम अनुसूची में तो देश का जो भौगोलिक विभाजन है राज्य और संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश संघ क्षेत्रों का उल्लेख है, और द्वितीय अनुसूची में जितने भी हमारे प्रमुख संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित यहाँ पर प्रक्रिया का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में वो जितने भी लोग हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है उनके द्वारा पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इस सूची का जो संबंध है वो अनुच्छेद यानी कि अनुसूची तो हमारी चौथी है, ये सातवां अनुच्छेद कौन सा, 82, तो 4(1) और 82 यहाँ पर प्रमुख जो चौथी अनुसूची उससे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। पांचवी अनुसूची, देखिए पांचवी अनुसूची में जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स है यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रक के बारे में उल्लेख है, और इसका संबंध
244 एक अनुच्छेद से है। तो ये जो भी हमारे शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के जो प्रशासन और नियंत्रक के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नाम मैं ऑप्शन में देके एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी मणिपुर का यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन नहीं है मणिपुर यहाँ पर। तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक के बारे में उल्लेख है और 1 अक्टूबर 2007 को दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को इसमें शामिल किया गया। इससे संबंधित अनुच्छेद 244 और 275 क्रमशः भाग दो और भाग एक सम्मिलित हैं। सातवीं अनुसूची देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है, क्योंकि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें पृथक्करण का एक सिद्धांत है, तो उन तीनों सूचियों के यानी कि राज्य सूची, एक आपकी संघ सूची और एक आपकी जो है अवशिष्ट शक्तियां हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। एक समावर्ती सूची भी है, समावर्ती सूची तीसरे नंबर की। तो ये तीन हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाए जा सकते हैं, परंतु जब विवाद होता है तो इसमें संसद को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो है इन्हें अपन जो हमारे पॉलिटी के लेक्चर हैं वहाँ पर आपको इनके बारे में गहन अध्ययन मिल जाएगा। आठवीं अनुसूची के बारे में, 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आरंभ में 14 थी, फिर बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में ये 22 हैं। संथाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली को सबसे एंड में शामिल किया गया। ध्यान रखिए, संथाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली। नवीं अनुसूची, तो देखिए नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की जो कानून सम्मत विधि है उसका उल्लेख किया गया है, जो 31 ख अनुच्छेद से संबंधित है। दसवीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में जो देश का राजनीतिक स्वरूप बदल रहा है तो ये दसवीं अनुसूची का महत्व ज़्यादा है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधानों का उल्लेख है कि कोई राजनेता अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। तो 102 ये जो है संसद से संबंधित है, और 191 किससे संबंधित है, ये राज्य स्तरीय विधान मंडलों से संबंधित है। 361 खा ये भी इसमें शामिल है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया। तो वो जो स्थानीय नगर निकाय स्वशासन की अवधारणा है वो यहाँ पर यहीं से पनपी है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में यहाँ पर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त 243 क से अण तक यानी ए से के तक जो है इस सूची में 29 विषय शामिल हैं, चाहे वो पानी से जुड़ी हुई संबंध हो, चाहे वो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो जितनी भी वहाँ के मसले होते हैं पंचायत के, वो सब यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो सबसे अंतिम है, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन है। जैसे ये स्थानीय शासन में ये पंचायती है, इसी तरह से जो नगर पालिका है वो इस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिका निकाय यानी कि जो शहरों में अपन देखते हैं उसी तरह का, तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बंद है जो 243 ता से एन तक संबंधित हैं। तो इसमें 18 विषय शामिल हैं। थोड़ा आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो भारत के संदर्भ में कुछ कार्यपालिकी और कुछ भौगोलिक संदर्भ में जो जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी हिंदी है और इंग्लिश को भी जो है वो न्यायालयों में और कुछ राज्यों में दर्जा प्राप्त है। तो जो आधिकारिक भाषाएं हिंदी, इंग्लिश यहाँ पर जो है नामित हैं। इसके अतिरिक्त तो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, और ये हमारे एक उपनिषद है, मंडोपनिषद। मंडोपनिषद UPSC में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आपकी और परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो सत्यमेव जयते यानी ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसे मंडोपनिषद नामक एक उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से
और हमारा जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, जिसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था एक आनंद मठ नामक एक शीर्षक से। नॉर्मली 52 सेकंड जो उसका समय है। और राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है इसकी रचना की थी वंदे मातरम, तो संस्कृत में है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ रीजनल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं जिनको 22 भाषा जो मैंने आपको बताया था ऊपर। अभी देखिए आप अगर यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में मैंने इन 22 भाषाओं का आपको उल्लेख किया था। तो एक बार इन्हें देख लेते हैं, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकबोरोक, कोंकणी। देखिए कोंकणी आप जानते हैं, देखिए भारत का जो नक्शा है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो कोंकणी जो भाषा है वो गोवा और महाराष्ट्र के जो सम्मिलित जो एक क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र, वहाँ पर बोली जाती है। मैथिली ये बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो नेटिव लैंग्वेज कितनी है, 447 हैं। इसी तरह से हमारे अक्षांशों का जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे नई दिल्ली का 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकंड और 77 से ये 12 मिनट 30 सेकंड पूर्वी देशांतर है। लार्जेस्ट सिटी है हमारी मुंबई, और दिल्ली तो हमारी राजधानी है ही है। जो रिलीजन का जो यानी धर्म के आधार पर जो हमारा वो है जनसंख्या का जो वो है विभाजन, उसे एक बार आपको बता दें, 79.8% सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और मुस्लिम संप्रदाय के लोग 14.2% हैं। ये वर्ष 2011 के अनुसार है। जाहिर सी बात है आज की डेट में इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया होगा, तो 2021 तक की जो जनगणना आएगी जब तक हमें नए आंकड़ों का इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्रिश्चियन जो ईसाई संप्रदाय के लोग 2.3% हैं, सिख 1.7% हैं, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4%। इसी तरह से अनएफिलेटेड यानी कि जिनके बारे में आंकड़े दर्ज नहीं है, इस तरह के जो लोग हैं वो 23.23% हैं। 0.65% अदर हैं, जैसे कि कोई बाहर के देशों के राजदूत हैं या कोई विशेष कार्य से जो यहाँ पे पर्यटन के रूप में आते हैं, तो इस तरह की जो हमेशा एक जनसंख्या निवास करती है अतिरिक्त, तो वो है ये। भारत की जो मेंबरशिप है अन्य देशों में वो कौन कौन सी हैं, वो है एक तो यूएन में, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एक ब्रिक्स में, एक सार्क में। ब्रिक्स में देखिए ये आई से इंडिया ही है, बी से ब्राज़ील, ब्राज़ील एंड आर से रूस, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका वर्ष 2009 में सबसे एंड में जुड़ा था, 2004-05 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सार्क है, ये SCO है, SCO में भारत वर्ष 2017 में जुड़ा है और पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक साथ इसमें सदस्यता ग्रहण की है। G4 नेशन में भी है, ग्रुप ऑफ फाइव में भी है, G8+5 में भी है और G20 सबसे बड़ा जो ग्रुप है विश्व का, लगभग 2/3 जनसंख्या और 90% GDP का जो नेतृत्व करता है, एक हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन भी है। गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ संसदीय संघात्मक जो प्रणाली है उसके ऊपर एकतंत्रीय गणराज्य के रूप में काम करती है। ये हमारी संसदीय प्रणाली का एक स्वरूप है। वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और शरद अरविंद बोबड़े इस वक्त हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के स्पीकर ये ओम बिड़ला हैं और राजस्थान के कोटा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से ये चुन करके आते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, यूपी के क्षेत्र से ये चुन करके आते हैं, यूपी और बिहार के मूल के माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स लेजिस्लेचर यहाँ पर क्या है, संसद। अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है, लोअर हाउस को लोकसभा बोला जाता है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हमारा जो अगर जैसे सभी देशों का अपना अपना एक इतिहास है, तो भारत के ऊपर जो यूनाइटेड किंगडम ने शासन किया था सन 1947 में 15 अगस्त को भारत को पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर घोषित किया गया था। डोमिनियन
15 अगस्त 1947 रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950 ये संविधान के द्वारा जो हमारी वो हुई थी पूर्ण रूप से, तो उस दिन को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एरिया जो है 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसे आप ध्यान रखें। और पानी का जो हमारा सोर्स है वो 9.6% है। जनसंख्या जो है यहाँ पर 17% निवास करती है। तो इसी तरह की जो है ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। आगे देखें कुछ और चीज़ों के बारे में। तो देखिए 2018 का जो पॉपुलेशन का एस्टीमेट है वो आपको यहाँ दिया हुआ है, 2011 का सेंसस है वो भी आपके सामने है, और डेंसिटी कितनी है 408 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 408 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक किलोमीटर के क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में 408 लोग लगभग निवास करते हैं। अब चाहे आपके दिल्ली में ये 11,000 हो, या जैसलमेर जैसे ज़िले में जो ये है राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में ये महज 17 हो, ठीक है। तो इसको औसत यानी कि पूरे देश को ही एक भौगोलिक टुकड़ा मान करके ये निकाला जाता है। GDP 2020 की एस्टिमेटेड जो यहाँ पर इस तरह से है 8.6 ट्रिलियन की, पर कैपिटा इनकम लगभग $6,283 प्रति व्यक्ति, GDP नॉमिनल वो 2.59 ट्रिलियन की है। देखिए यही है वास्तविकता, पर कैपिटा $1,876 प्रति व्यक्ति। अब इसमें सड़क पर एक जो भिखारी है भीख मांगने वाला, और हमारे जो मुख्य उद्योगपति हैं जैसे आप अंबानी या टाटा बिरला जो भी माने, उन सब की आय को इसमें जो है एक ही मान लिया जाता है और औसत करके निकाला जाता है। तो इसमें जो है भारत अगर इकोनॉमी की बात करें तो 6ठे स्थान पर है विश्व में, और पर कैपिटा इनकम में ये 139 स्थान पर है, तो बहुत पीछे है। मतलब इतना पीछे किसे, पीछे से भी ज़्यादा पीछे मानिए आप। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में भी जो है ये हमारा इंडेक्स है काफ़ी पीछे है इसमें अपन। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ष 2018 में और 2020 में यही सेम रैंक है 129। करेंसी इंडियन रुपी है। टाइम जोन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे जो इसमें प्लस में यानी कि आगे है। डेट ऑफ फॉर्मेट जो है हमारे इस तरह से इसमें हमारे देश में ये तरीका अभी भी विद्यमान है। बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, ड्राइविंग साइड जो लेफ्ट होती है इंडिया में, कॉलिंग कोड +91 है, तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर का जो आपका एक पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पूरी होती है। कुछ चीज़ें और फिर से हम आपको बता देते हैं कि करंट अफेयर जो हमने ये 2021 नया साल आने वाला है, तो पूरे साल का 2020 जैन टू दिसंबर हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करवाया है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव चीज़ें हों जो प्री और अदर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप की चीज़ें विश्लेषणात्मक चीज़ हैं जो कन्वेंशनल पेपर जहाँ पर आपको लिखना होता है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो एक बार आप मैंने आपको बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे बिम्स्टेक समिट है या आपका कोई भी जैसे देश में होने वाले राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन है, इस तरह से महत्वपूर्ण दिवस और थीम, प्रमुख योजनाएँ, रिपोर्ट और सूचकांक, प्रमुख व्यक्तियों के निधन, प्रमुख मोबाइल ऐप वेब पोर्टल आपको कराए जा चुके हैं, पुरस्कार वितरण, खेल घटनाक्रम, सैन्य अभ्यास विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख पुस्तक और लेखक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसकेलेनियस चीज़ें भी आपको कराई गई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक तो पुरस्कार और खेल घटनाक्रम और सैन्य अभ्यास ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। बाकी चीज़ें आप नियुक्ति में भी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मेंस जो आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट हमारा चल रहा है तो उसमें अपनी पॉलिटी जो इसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें सर आपको खुद लीड करेंगे ओमकार सर, और अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा
इंटरनल सिक्योरिटी है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई जाएगी। तो देखिए पॉलिटी में क्या है, सारे आर्टिकल्स जो चर्चा में रहे, विधेयक, कुछ रिपोर्ट और कुछ संस्थाओं के बारे में। अर्थव्यवस्था में बजट, वित्त आयोग, इकोनॉमिक सर्वे और डेवलपमेंट और अवसंरचनात्मक ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बैंकिंग मुद्रा की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको डिस्कस कराई जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी में एक तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप जहाँ जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के साथ में चलने वाले अभी हमारे वो, और जो हिंद महासागर में चीन और भारत के बीच में जो भूमिका है उसका वैश्विक अवलोकन, साथ में टेररिज्म, अलगाववाद और शांति समझौते। एनवायरनमेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कुछ योजनाएं, सम्मेलन जैसे कि COP25, रिपोर्ट और एग्रीमेंट, IR में भी कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी जैसे कि US, यूरोप, चीन और पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में पाकिस्तान और नेपाल इस वक्त प्रमुख चर्चा में है, इज़राइल, फ्रांस। सामाजिक मुद्दे में शिक्षा, असमानता और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं। तो वीमेन सेफ्टी इसमें सबसे ज्वलंत हमारा टॉपिक है, और उसके अलावा जो नई शिक्षा नीति आई है उसके लिए भी यहाँ पर जो है अनुशंसाएँ की जाएंगी। साइंस टेक में देखिए नए आविष्कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और बीमारियों के बारे में जो पूरा सिनॉप्सिस रहा है इस साल का, उसमें योजना और कुरुक्षेत्र को भी कवर कराया जाएगा। संस्कृति में उत्सव, त्यौहार और चर्चित शख्सियत और कुछ मिसकेलिनियस चीज़ों को भी डिस्कस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा पहला पार्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया है। तो इसके बाद में जो नई चीज़ें हैं जैसे कि मेंस का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो सर के द्वारा कराया जाएगा। तो लेक्चरर, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्दी आपको इसका जो दूसरा संस्करण है वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा।